सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ अपने अर्निंग प्रूफ्स दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपने टाइटल में बताया है, विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग एक मनी मेकिंग ब्लॉग बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने कुछ प्रूफ्स दिखा देता हूँ, उसके बाद जानेंगे कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक को कवर किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी डिटेल में। आप लोग कह सकते हो कि ये एक तरह से ब्लॉगिंग कोर्स है जो कि आप आज सीखने वाले हो। सबसे पहले मेरे अर्निंग प्रूफ की बात करते हैं, उसके बाद हम डिटेल में आगे चीज़ों को जानेंगे। तो ये मेरा एक पेपाल का अकाउंट है जहाँ पर मैं अभी तक इतने 3400 USD के आसपास अर्न कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने कुछ बाहर के एफिलिएट्स को ज्वाइन कर रखा है तो उनका पेमेंट मेरा को पेपाल में मिलता है। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि मेरा $268 के आसपास, उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि $1360 के आसपास, एंड नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जिसमें कि $546 के आसपास मैं अर्न कर चुका हूँ और अनपेड मेरे $173 हैं। एंड इसी के साथ मेरा एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लगभग कि मैं 3.5 लाख से ऊपर का अर्न कर चुका हूँ। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, एफिलिएट करता हूँ, तो जिसके थ्रू मेरी अर्निंग, अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ प्रूफ हैं जिन प्लेटफॉर्म पे मैं ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ। अगर आप भी मेरे मेथड को फॉलो करेंगे जो कि वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आप लोग भी ये अर्निंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेन जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग करना सिखाऊंगा, किस तरीके से ब्लॉगिंग करके आप लोग भी एक अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से एक मनी मेकिंग ब्लॉग बनाया जाता है, ये सब कुछ डिटेल में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चाहे आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज हो या ना हो, ब्लॉगिंग के बारे में आपने पहले कभी सुना हो या फिर ना सुना हो, कोई भी टेक्निकल नॉलेज आपको हो या फिर ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आप लोग अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे, जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर उन चीज़ों को आपने सही से फॉलो किया, सही से टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं कुछ टॉपिक्स पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ, उनको हम डिटेल में आगे जाके जानेंगे ज़रूर, मगर पहले मैं आपको टॉपिक बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस वीडियो में कौन सा कंटेंट होने वाला है, आपके लिए वो यूज़फुल है फिर या फिर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना रखी है जो कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जैसे कि टॉपिक सिलेक्शन ऑफ ब्लॉग, हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट, हाउ टू चेक डिमांड, बेस्ट एवरग्रीन टॉपिक्स, ब्लॉग सेटअप, डोमेन होस्टिंग, इंस्टॉल वर्डप्रेस विद वन क्लिक, हाउ टू राइट योर फर्स्ट आर्टिकल, हाउ टू गेट कंटेंट आइडिया फॉर फ्री, हाउ टू रिसर्च कीवर्ड, हाउ टू स्पीड अप वेबसाइट, हाउ टू रैंक आर्टिकल्स, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO एंड मोनेटाइजेशन, जो कि आपके अर्निंग सोर्स होंगे, चाहे वो एडसेंस हो, एफिलिएट हो, अपना खुद का ऑनलाइन सेलिंग कोर्स हो। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ मैं किस तरीके से करता हूँ, मैंने ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करी और मैंने किन किन चीज़ों को फेस किया, स्टार्टिंग में मैंने कौन सी गलतियाँ करी। आप वो ना कर सको, प्रॉपर एक वे बना रखा है कि किस तरीके से आपको काम करना है, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो आप लोग भी एक मनी मेकिंग ब्लॉग बनाना चाहते हैं, अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, इस चैनल पे आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल वीडियो मिलती रहती हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, वहाँ पे डिटेल में जानते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं, एक मनी मेकिंग ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताया है, जैसे कि अगर आपको मनी मेकिंग ब्लॉग बनाना है तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, और आज के इस वीडियो में मैं इन पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, एक मनी मेकिंग ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे उसमें काम किया जाता है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं किन किन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ, वो सारी दिक्कतें मुझे पता हैं, तो मैं उन पॉइंट्स को भी आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि अगर आप लोग भी स्टार्ट करेंगे या फिर आप लोग भी करते होगे, तो आप लोग भी हो सकते हैं उन पॉइंट्स को फेस करते होगे, तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स के बिहाफ मैंने पूरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है आप लोगों के लिए, जो कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पूरा एक तरह से कह सकते हो कि एक ब्लॉगिंग कोर्स है ये, आपको ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सेव करके बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें मैंने सारी वो चीज़ें बताई हैं जो कि एक ब्लॉगिंग में ज़रूरी रहती हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि सारे के सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। सो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट मनी मेकिंग ब्लॉग। सबसे सिंपल सा तरीका है आपको एक मनी मेकिंग ब्लॉग बनाना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्लॉग क्रिएट करना है। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद उसमें वहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल्स को पब्लिश करना है, उन आर्टिकल्स को फिर मोनेटाइज करना है। ये तीन ही तरीके होते हैं आपकी ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, ब्लॉग क्रिएट करना है, ब्लॉग का सेटअप करना है, आर्टिकल्स को पब्लिश करना है और उनको मोनेटाइज करना है एडसेंस, एफिलिएट या फिर अपने कोर्स, अपने सर्विसेज के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट।
टॉपिक सिलेक्शन ऑफ ब्लॉग। प्रॉफिटेबल ब्लॉग क्या होता है? आपका इंटरेस्ट प्लस डिमांड। अब बात आ जाती है कि इंटरेस्ट को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं या फिर डिमांड है कि नहीं उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, तभी तो हमारा एक टॉपिक का सिलेक्शन होगा जब हमारा इंटरेस्ट प्लस डिमांड मैच करेगा। तो अब यहाँ पर पता करते हैं कि फाइंड कैसे कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को। व्हाट यू लाइक, आप अपने इंटरेस्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे कि आप अगर किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको स्पोर्ट्स की चीज़ें देखना पसंद है, या फिर आपको एंटरटेनमेंट, या फिर आपको कह सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, या फिर आप कह सकते हो जैसे कि आपको गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, या फिर आपको कार में, बाइक्स में, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो वही आपका इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप देखना पसंद करते हो, जिसके बारे में आप सुनना पसंद करते हो, जिसके बारे में आप बोलना पसंद करते हो, वही आपका इंटरेस्ट होता है। तो वही आपका इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड चीज़ों में ही आपको नॉलेज है और वही आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हो, उसी के बारे में लोगों को आप अच्छे से बता सकते हो। तो यही आपका इंटरेस्ट होता है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिसके बारे में आप लोगों को गाइड कर सको, जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझा सको। तो ये तो रहा आपका इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट को फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब बात आ जाती है कि आप कैसे चेक करें कि उस चीज़ की डिमांड मार्केट में है भी कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है जो कि है गूगल ट्रेंड, जो कि बेस्ट भी है और फ्री टूल भी है। गूगल ट्रेंड यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्चेस गूगल में होती हैं और जितनी सर्चेस गूगल में होती हैं उसका सारा डेटा गूगल के पास होता है। तो गूगल ट्रेंड में हम वहाँ जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं कि किस कीवर्ड पे कितनी सर्चेस हो रहे हैं, किस टाइम पे कितने सर्चेस थे कि नहीं थे, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वो सब कुछ हमें वहाँ पे पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम सर्च करना चाहें, यहाँ पे मैंने गूगल ट्रेंड ऑलरेडी ओपन कर रखा है और यहाँ से आप जाके टॉप पे इसको इंडिया या फिर जिस भी कंट्री के लिए आप काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गेमिंग चेयर, या मैंने गेमिंग चेयर को सर्च किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें गेमिंग चेयर का पास्ट 12 मंथ का, ये है इंडिया का वेब सर्च। तो इसको मैं काम करता हूँ लास्ट 5 ईयर कर देता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि लास्ट 5 ईयर में इसका क्या अप डाउन रहा है। तो लास्ट 5 ईयर की अगर बात की जाए तो गेमिंग चेयर एक ऐसा कीवर्ड है जो कि टॉप पे ही जा रहा है, जो कि बिल्कुल नीचे से था, अब आज के टाइम पे भी देखा जाए तो 73 पे चल रहा है। और लास्ट ये आई थिंक आप कह सकते हो 2020 से, या फिर आप कह सकते हो, तो लास्ट अगर देखा जाए तो ये 73 पे चल रहा है। तो अभी देखा जाए तो इसका मतलब ये जो कीवर्ड है गेमिंग चेयर, जो एक टॉपिक है, ये आपका एक अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि 50 प्लस जा रहा है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 50 प्लस जो रहेगा वो आपके लिए बेस्ट ही रहेगा। तो पास 12 मंथ की अगर बात की जाए तो ये 50 से ऊपर ही है, देखा जाए एवरेज निकाल जाए तो 50 से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो आप इस टॉपिक के ऊपर आराम से काम कर सकते हो। अब अगर हम बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी इसकी सर्च होती है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे आप स्टेट वाइज भी चेक कर सकते हो, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेरीज यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। गेमिंग चेयर इंडिया 2000, ग्रीन सोल गेमिंग चेयर, चीपेस्ट गेमिंग चेयर, तो इस तरह के आपको रिलेटेड क्वेरीज भी मिल जाती हैं, रिलेटेड टॉपिक भी मिल जाते हैं गूगल ट्रेंड में, और पता भी चल जाता है कि जिस चीज़ के में आपका इंटरेस्ट है उसकी मार्केट में डिमांड है कि या नहीं है। तो ये तो था तरीका पता लगाने का कि अगर आपका मतलब प्रॉफिटेबल ब्लॉग कैसे बनता है, इंटरेस्ट प्लस डिमांड, आपका इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया, और डिमांड उसकी मार्केट में है कि नहीं उसको कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फूड, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एवरग्रीन टॉपिक हैं, जिसमें हमेशा सर्चेस रहती ही रहती हैं और जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। सो अगर इन टॉपिक्स की आपको नॉलेज है तो इनके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो और अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो और अर्निंग कर सकते हो, चाहे फिर वो एडसेंस के थ्रू हो, चाहे फिर वो आपके एफिलिएट के थ्रू हो, या फिर अपने खुद का कुछ प्रोडक्ट बना के भी आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। सो ये तो थी बिल्कुल बेसिक सी बात, टॉपिक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है और डिमांड को कैसे चेक किया जाता है, और एवरग्रीन टॉपिक कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बात आ जाती है ब्लॉग सेटअप के ऊपर। ब्लॉग सेटअप करने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरह की वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और आप मानो या ना मानो यही आपके ब्लॉगिंग में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो कि मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं।
डोमेन एंड होस्टिंग आपकी ब्लॉगिंग करियर के लिए, आपके ब्लॉग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर में ही आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, हम यहाँ पे ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जिनको ब्लॉगिंग के बारे में पता ही ना हो ब्लॉगिंग होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ ब्लॉगिंग होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एक चीज़ के बारे में नॉलेज है, अब उस नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने आर्टिकल के थ्रू, अपने पोस्ट के थ्रू, जिसमें कि आप लोगों को रिव्यू करते हो किसी प्रोडक्ट का, या फिर कोई सर्विसेज है जिसके बारे में आप बताते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी नॉलेज आपको है उसको आप मार्केट में ऑनलाइन दुनिया में शेयर कर रहे हो सबके साथ, जिससे लोगों को हेल्प मिल सकती है एक डिसीजन लेने में, एक प्रोडक्ट के सिलेक्शन में, या फिर किसी चीज़ का आप रिव्यू दे रहे हो। इस तरीके से अगर आप ऑनलाइन दुनिया में किसी की हेल्प करते हो अपनी नॉलेज के थ्रू, उसको आप ब्लॉगिंग कह सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ब्लॉग सेटअप, जिसमें कि डोमेन एंड होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें कि मोस्टली लोग इस स्टेप को इग्नोर करते हैं और बाद में जाके वही लोग पछताते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग लोग बहुत हल्के में लेते हैं, कहीं से भी डोमेन, किसी भी नाम का डोमेन ले लेते हैं, किसी भी चीप कंपनी से होस्टिंग खरीद लेते हैं कि बस किसी तरह हमारी वेबसाइट बन जाए, ब्लॉग बन जाए और उसको हम ऑनलाइन कर दें। मगर वो ये नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म बिजनेस करने के लिए आपको एक अच्छी कंपनी की डोमेन होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो डोमेन एंड होस्टिंग होता क्या, पहले मैं वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि अगर हम डोमेन की बात करें ऑनलाइन दुनिया में, जैसे google.com है, yahoo.com है, facebook.com है, जैसे मेरी वेबसाइट है webtechnicaltips.com, ये एक डोमेन नेम है जो कि मेरी ऑनलाइन दुनिया में एक आइडेंटिटी है। इसी तरीके से होस्टिंग होती है। होस्टिंग का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो लैपटॉप सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि आप लैपटॉप बाय करते हैं, उसमें आपके लैपटॉप में जितनी भी इमेजेस होती हैं, जितनी भी मीडियाज होती हैं, जितने भी आपके वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स हो, जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, वो सारी कहाँ से होती हैं, हार्ड डिस्क में। तो इसी तरीके से ऑनलाइन दुनिया में होस्टिंग एक हार्ड डिस्क की तरह ही काम करती है। एक बड़ा सर्वर होता है जो कि 24/7 आवर काम करता है, पूरे साल आपके लिए काम करता है। जब भी कोई ऑनलाइन दुनिया में डोमेन नेम आपका डालता है तो वो होस्टिंग कनेक्ट करके, वो सर्वर से कनेक्ट करके सीधा आपकी वेबसाइट को ओपन कर देते हैं। तो होस्टिंग में आपकी जितनी भी वेबसाइट का डेटा होता है, जितनी भी इमेजेस होती हैं, सारी स्टोर रहती हैं। और जब भी कोई आपके डोमेन को ब्राउज़र में सर्च करता है तो वो होस्टिंग के सही डेटा को फेच करके आपके ब्राउज़र पे शो करता है। तो डोमेन एंड होस्टिंग आपकी वेबसाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको ये बताऊंगा कि डोमेन को कैसे आप सर्च कर सकते हो, डोमेन को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। उसके लिए आपके पास यहाँ पे दो वेबसाइट हैं, leandomainsearch.com एंड domainwheel.com। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। leandomain.com पे आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल गेमिंग चेयर के लिए आप कुछ फाइंड कर रहे हैं, दूसरे डोमेन पर भी डाल देते हैं गेमिंग चेयर। अब यहाँ पे क्या रहेगा, लीन डोमेन सर्च में आपने सर्च, आपने जो भी आपका कीवर्ड है आपने वो खाली डालना है। उसके बाद वो आपको अपने आप आइडियाज़ देने लग जाएगा। यहाँ पे फाउंड 4921available.com डोमेन कंटेनिंग गेमिंग चेयर। यहाँ पे गेमिंग चेयर ऑनलाइन, गेमिंग चेयर वेब, गो गेमिंग चेयर ग्रुप, गेमिंग चेयर मीडिया, गेमिंग चेयर डिज़ाइन, यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उनको खरीद सकते हैं। और मैं अभी आगे जाके आपको बताने वाला हूँ कि डोमेन आप कैसे फ्री में पा सकते हैं, वो सब कुछ अभी आगे जाके वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये खाली डोमेन का आइडिया लेने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आके आप डोमेन का आइडिया ले सकते हैं। एंड डोमेन सिलेक्शन के टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, डोमेन जितना शॉर्ट हो उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। इजी टू रिमेंबर आपका डोमेन नेम होना चाहिए। कोई भी अगर आपकी वेबसाइट एक बार खोलता है तो उसको अगले बार भी वो डोमेन याद रहे। ज़्यादा बड़ा डोमेन लोगे तो लोग भूल जाते हैं, फिर आपके मतलब नॉर्मल जो यूज़र्स आने होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपका मेन कीवर्ड आपके डोमेन में ज़रूर आए और शॉर्ट आपका डोमेन नेम होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा डोमेन नेम था, यहाँ पे भी आप आके चेक कर सकते हैं, .net info blog and org को हटा देंगे और सर्च डोमेन करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं गेमिंग चेयर ऑनलाइन गेम मतलब .com में इतने सारे डोमेन आपको यहाँ पे मिल जाते। तो ये दो डोमेन हैं जहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो अपने डोमेन्स के लिए। तो डोमेन सिलेक्शन कैसे करना चाहिए वो मैंने भी आपको बताया है। अभी बात करते हैं एक परफेक्ट होस्टिंग की, आपके ब्लॉग के लिए एक परफेक्ट होस्टिंग का होना कितना ज़रूरी है, वो अभी 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ। किसी भी कंपनी से आप होस्टिंग लीजिए, मगर आपको उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो होस्टिंग कितनी पुरानी है, कितनी ट्रस्टेड है, आपकी वेबसाइट के लिए सेफ है कि नहीं है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है, या फिर उनका जो सर्वर की सिक्योरिटी है वो कैसी है। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी होस्टिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो होस्टिंग कंपनी रिकमेंड कर रहा हूँ वो है ब्लू होस्ट।
जो कि आपको लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपने दोनों लिंक डाल रखे हैं जो कि मेरा ब्लू होस्ट का एफिलिएट लिंक है। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपका बेनिफिट क्या है, और नहीं लेंगे तो भी आपका क्या लॉस हो सकता है। अगर आपको होस्टिंग बाय करनी है और इस लिंक से आप होस्टिंग को बाय करते हैं तो मेरी तरफ से आपको एलिमेंटर प्रो फ्री मिलता है। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्ट जाके ब्लू होस्ट से होस्टिंग को बाय करते हैं तो वो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, बट अगर आप मेरे लिंक से जाके बाय करेंगे तो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। क्योंकि मैं ब्लू होस्ट से काफ़ी टाइम से एफिलिएट कर रहा हूँ तो वो लोग मुझे टाइम टू टाइम अपडेट्स करते रहते हैं और नए नए ऑफर देते रहते हैं जो कि मैं अपने लिंक में अपडेट करता रहता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके जाते हैं तो आप किस तरह के पेज पे पहुंचते हैं और वहां पे जाके आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। यहां से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही आप यहां पे डालेंगे तो कुछ इस तरीके का एक पेज बनेगा, स्पेशल ऑफर फॉर फैन ऑफ वेब टेक्निकल टिप्स, इस तरीके का आपको एक पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आके आपको सिंपल यहाँ पे शेयर होस्टिंग पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि मैंने सपोर्ट की बात की थी, यहाँ पे 24x7 वर्डप्रेस होस्टिंग सपोर्ट है, फ़ोन नंबर भी है, चैट भी है, आप यहाँ पे आराम से इन कस्टमर से सपोर्ट में जाके बात कर सकते हैं। अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है, वर्डप्रेस में कोई दिक्कत आती है, सर्वर में कोई दिक्कत आती है, आपकी साइट में कोई दिक्कत आती है, साइट की स्पीड स्लो है, या फिर अगर कुछ हैकिंग वैकिंग का प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है, आप यहाँ पे सपोर्ट में आके बात कर सकते हैं। 24x7 यहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूटिव अवेलेबल होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है। आपको सीधा होस्टिंग में आना है, शेयर्ड होस्टिंग पे जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है, बेसिक प्लस, चॉइस प्लस एंड प्रो। अगर आप एक वेबसाइट आप चलाना चाहते हैं, आपको माइंड में है कि मैंने एक ब्लॉग बनाना है और उसको चला के देखना है, तो आप एक वेबसाइट के प्लान के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें कि आपको 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है। पहले SSD होता था जो कि स्लो वर्जन था, अभी SSD स्टोरेज चलने लग गया है तो ये बहुत ही फास्ट होता है। तो ये अगर आप लेते हैं तो आपकी स्पीड वैसे भी अच्छी खासी हो जाती है। फ्री SSL मिलता है, अनमीटेड बैंडविड्थ मिलता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, फ्री ब्लू होस्ट SEO टूल भी आपको मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाती हैं अगर आप एक वेबसाइट के साथ जाना चाहते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स का ऑप्शन है तो आप इनका प्लस प्लान या फिर चॉइस प्लस प्लान ले सकते हैं, जिसमें कि आपको फ्री डेली वेबसाइट बैकअप का ऑप्शन भी मिल जाता है, और बाकी सारी चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं, जिसमें अनलिमिटेड अनमीटेड SSD स्टोरेज होता है, अनमीटेड बैंडविड्थ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। तो अभी आप, मैं मान के चलता हूँ फर्स्ट प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट अ डोमेन, न्यू डोमेन एंड यूज अ डोमेन योर ऑन। यहाँ पे आप डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं, जो डोमेन आप फ्री में क्लेम करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे, अगर वो अवेलेबल होगा तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको बोलेगा डोमेन नेम दोबारा से आप सर्च करो, वो अवेलेबल नहीं है। एंड सेकेंड स्टेप है यूज अ डोमेन यू ऑन, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है, वो आप डोमेन नेम आपने किसी से खरीद रखा है रजिस्ट्रार से, तो आप वो डोमेन नेम यहाँ पे डालेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे, देन आगे आप प्रोसीड कर देंगे। बट मैं अभी इस स्टेप में यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। आपके केस में आपको डोमेन नेम डालना है, चाहे आप नया लेना चाहें चाहे आपके पास ऑलरेडी हो। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक से आपकी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, एंड यहाँ पे आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है कि आपके 12 मंथ के साथ जाना चाहते हैं, 24 मंथ के साथ जाना चाहते हैं, या फिर 36 मंथ के साथ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप 36 मंथ के साथ अगर जाते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है, अगर आप 12 मंथ के साथ जाएंगे तो आपको 3400 का पड़ता है, एंड वही अगर आप 36 मंथ के अंदर जाएंगे तो 6300 के आसपास पड़ता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 ईयर की आपकी यहाँ पे सेविंग हो जाती है, एंड इन सब चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड उसके बाद सिंपल यहाँ पे आप पे बाय वीज़ा मास्टर कार्ड, या फिर यहाँ पे आप नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसको आई एग्री करना है, सबमिट करना है, सिंपल आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी। आपने अपना फ्री डोमेन भी क्लेम कर लिया है, CDN भी क्लेम कर लिया है, SSL भी क्लेम कर लिया है, और यहाँ पे आप वर्डप्रेस जो कि ऑफिशियली रिकमेंड करता है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे एक बारी। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा, आप यहाँ पे आके खुद भी चेक करना चाहें, पहले चेक करो, अगर ट्रस्ट हो तभी आप खरीदो, वरना आपकी चॉइस है वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकमेंडेड बाय वर्डप्रेस सिंस 2005। वर्डप्रेस जो कि एक बहुत बड़ा CRM है, आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो 40% से ज़्यादा वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में वर्डप्रेस के ऊपर चल रही है। तो वर्डप्रेस अगर रिकमेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है, कोई बात तो होगी। फ्री डोमेन भी आपको 1 साल के लिए मिलता है, फ्री SSL सर्टिफिकेट एंड SEO टूल भी इसमें इंक्लूड है, फ्री प्रीमियम क्लाउड पे CDN भी है, एंड वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन भी है, एंड 24x7 का सपोर्ट तो है ही। तो ब्लू होस्ट मैं इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे बताए हुए स्टेप के साथ आपने ब्लू होस्ट से होस्टिंग बाय कर ली होगी। बाय करने के बाद आपको क्या करना है उसको भी जान लेते हैं। जब आप बाय कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक मेल आएगा,
जिसमें कि आपकी पेमेंट कंफर्मेशन, एक वीडियो होगी, थोड़ा आपके बेसिक से इन्फॉर्मेशन होंगी, आपके प्लान वगैरह होगा। एंड नीचे आएंगे तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जहाँ पे कि आपका नेम सर्वर होगा, नेम सर्वर ये वाला, नेम सर्वर 1 एंड नेम सर्वर 2, और यहाँ पे आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको यही काम करना है, चेंज योर पासवर्ड पे क्लिक करना है। आपका ये यूज़र नेम है, ये डोमेन नेम है, चेंज योर पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपका डोमेन नेम डालने के लिए बोलेगा, जो डोमेन नेम आपने उस टाइम पे रखा होगा, ठीक है। आपको इस पे करना है, नेक्स्ट पे करना है, आपको एक लिंक का ऑप्शन आएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और अपना पासवर्ड जनरेट करना है। अभी आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, अब आपको सिंपल आना है ब्लू होस्ट की वेबसाइट के ऊपर। ब्लू होस्ट की वेबसाइट पर आके आपको सिंपल इसको लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको आपका डोमेन नेम और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डाल के आपको सिंपल इस पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, कनेक्ट डोमेन एंड होस्टिंग। अगर आपने ब्लू होस्ट से ही होस्टिंग बाय की है और वहीं का फ्री डोमेन आप यूज़ कर रहे हो, जो कि आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिलता है, फिर तो आपको कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट कर देंगे। बट समटाइम हो सकता है कि आपने खाली होस्टिंग यहाँ से बाय करी हो, डोमेन आपने पहले से खरीद के रखा हो किसी अदर रजिस्ट्रार से, GoDaddy या फिर BigRock से, तो उस केस में, उस सिनेरियो में आप कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उस केस में आपने जहाँ से भी आपने डोमेन बाय की है वहाँ पर लॉगिन करना है, वहाँ पर मैनेज DNS करना है आपको, और वहाँ पर जाके इस नेम सर्वर को चेंज करना है। मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको GoDaddy से आपने डोमेन बाय कर रखा है तो आपको सिंपल आना है माई प्रोडक्ट्स के सेक्शन में। माई प्रोडक्ट के सेक्शन में आने के बाद आपको आपके डोमेन दिख जाएंगे, वहाँ पर आपको सिंपल इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके मैनेज DNS पे क्लिक करना है, और आपका जो ये वाले नेम सर्वर है ns1.bluehost.in, ns2.bluehost.in, उसको यहाँ पे आपको अपडेट करना है। अभी मैंने क्योंकि ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मेरे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आपके केस में जब आप खाली GoDaddy का आपका डोमेन देगा तो यहाँ पे GoDaddy के नेम सर्वर डले होंगे, आपको चेंज के बटन पे क्लिक करके ब्लू होस्ट के यहाँ से कॉपी करना है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में सेकेंड डाल के उसको सिंपल सेव कर देना है। यहाँ पे सेव करने के बाद 24 आवर्स का टाइम ये लोग बोलते हैं, मगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये विद इन 1 एंड 2 आवर्स के अंदर आपस में कनेक्शन हो जाता है और आप अपने डोमेन और होस्टिंग को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं मान के चलता हूँ कि हमारा डोमेन एंड होस्टिंग भी कनेक्ट हो चुका है, अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे सिंपल 1 क्लिक के ऊपर। जब आप ब्लूहोस्ट के अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये स्क्रीन देखने को ना मिले, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले का अकाउंट है ब्लूहोस्ट का और मेरे काफ़ी सारे डोमेन यहाँ पे कनेक्टेड हैं, इसलिए मुझे ये स्क्रीन दिख रही है। आपके केस में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी स्क्रीन आए जहाँ पे वो आपसे पूछे किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो, ई कॉमर्स बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको नीचे वहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा होगा, स्किप करते रहना है और स्किप करते करते लास्ट स्टेप तक पहुँच जाना है। जब आप सब कुछ लास्ट स्टेप तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कुछ इस तरीके का आपको शो करेगा। माई साइट का टैब होगा, उस साइट पे आपको टैब पे क्लिक करना है, ऊपर क्रिएट साइट के बटन पे, या फिर बॉटम में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऐड साइट का ऐसे कुछ दिखेगा, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। मेरी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी साइट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं तो मेरे को इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में बिल्कुल फ्रेश आपका अकाउंट होगा तो आपको माई साइट पे क्लिक करने के बाद ऐड साइट के बटन पे क्लिक करना है। इस तरीके का आपको एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने साइट का नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे गेमिंग चेयर डाल देता हूँ। साइट का टैगलाइन मैं स्किप कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ यहाँ से। अब आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, आपके केस में आपका एक ही डोमेन होगा तो वही यहाँ पे लिस्ट होगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्टरी में भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, बस आपको इनको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे काफ़ी सारे डोमेन मैंने डाल रखे हैं तो मुझे ये सारे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे अपना एक डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना ये डोमेन सेलेक्ट कर लिया है virendrajaiswal.com। अब मेरे को क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं ट्यूटोरियल बनाता रहता हूँ तो कुछ ना कुछ पड़ा होगा यहाँ पे, तो मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, उसमें वहाँ पे आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। बट आपके केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली ये 2-3 चीज़ें हटा के नेक्स्ट करना है। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे गेमिंग की मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ यहाँ पे, एंड नेक्स्ट पे करता हूँ क्लिक। सो भी हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली जस्ट 1 क्लिक पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कॉपी करके रख लेना, आपके काम आएगा। यहाँ पे इस आइस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका पासवर्ड दिख जाएगा। इस आइस के बटन पे क्लिक करके इस पासवर्ड को देख के कॉपी करके आपको सेव करके एक जगह पे रख लेना है। सो भी मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड कॉपी कर लिया है, आपको भी करके एक जगह रख लेना है, उसको सेव कर लेना, मिस मत करना। एंड गो बैक टू माई साइट के बटन पे आपको क्लिक करना है।
और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको आपकी वो लिस्ट दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके के बॉक्स आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप एक बार अपने इस पेज को यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लेना। तो मैंने अभी जो बनाया था मैं फटाफट से उस पर लॉग इन कर लेता हूँ। मेरे को मैनेज साइट्स के बटन पे क्लिक करना है। पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ मेरा वो डोमेन नेम, देन मैनेज साइट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने अभी बनाया था गेमिंग चेयर के नाम से, इस पर मैं करता हूँ मैनेज साइट। यहाँ पे आके आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये परफॉर्मेंस का जो टैब है इस टैब पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे एक्टिव है हमारा सिंगल सर्वर, आपको इस गेट बेसिक वाले बटन पे क्लिक करना है। आपको अपना क्लाउडवेयर को एक्टिव करना है, हमारे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को एक्टिव करना है। एक्चुअली CDN करता क्या है, हमारी वेबसाइट का जो डेटा है उसको फास्ट लोड कराने में हेल्प करता है। जैसे कि मेरी वेबसाइट इंडिया के सर्वर पर होस्ट है और मेरी वेबसाइट US में रैंक कर रही है, और US का कोई यूज़र अगर उसको खोलता है, अगर वो CDN पे नहीं होगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे नहीं होगा, तो उसको कनेक्शन लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से वेबसाइट मेरी स्लो लोड होगी, जल्दी की नहीं ओपन होगी, टाइम लगाएगी खुलने में। बट अगर वो CDN इनेबल होगी तो उस अगर कोई US में मेरी वेबसाइट को खोलता है तो उसके नियर बाय जो भी सर्वर होगा या जो भी डेटा सेंटर होगा वहाँ से वो मेरा डेटा फटाफट से उठा लेगा और यूज़र को फटाफट से मेरा कंटेंट शो कर देगा। तो ये बेनिफिट होता है हमारे CDN का, क्लाउडवेयर के CDN का। इसको आपको एक्टिव कर लेना है, गेट बेसिक पे आपको क्लिक करेंगे एंड 5 मिनट के आसपास लगते हैं ये एक्टिव हो जाएगा। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होती नहीं होता तो आप सपोर्ट में जाके सिंपल इसको एक्टिव करवा सकते हो। यहाँ पे आपको हेल्प के इस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे चैट का भी और कॉल का भी ऑप्शन आता है, दोनों पे आप किसी पे भी बात कर सकते हैं, इसको एक्टिव करवा सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो। पहले खुद करने की ट्राई करना, अगर दिक्कत आए तो ही करवाना। एंड इसके बाद ही बात आती है हमारे सेटिंग्स के टैब के ऊपर आना है आपको। यहाँ पे आपको कमिंग सून का पेज होता है, इसको ऑफ कर देना है। यहाँ पे ऑफ कर दिया। इसके बाद अब सिंपल आपको लॉग इन टू वर्डप्रेस पे करना है, जहाँ पे जाके हमको हमारा सारा काम करना है। सो अब यहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस का मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आपको ब्लू होस्ट का ये ऑप्शन दिखेगा। ब्लू होस्ट का इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा ब्लू होस्ट का होस्टिंग है और ये हमारा हम यहीं से लॉग इन कर रहे हैं, तो हमारा ब्लू होस्ट का प्लगइन बाय डिफॉल्ट इसमें एक्टिव हो रखा है, जिसकी हेल्प से ये हमारे थीम प्लगइन सर्विसेज स्टेजिंग सेटिंग सबको कंट्रोल करता है। यहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्लूहोस्ट का प्लगइन डला हुआ है। अभी आगे जाके सब कुछ बताऊंगा प्लगइन क्या होता है, थीम क्या होता है। तो अभी डैशबोर्ड के बटन पे करते हैं क्लिक। यही वो एरिया है जहाँ से आप अपना पूरा ब्लॉग को मैनेज करेंगे, ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है आपकी करियर का। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन ऑप्शन में जाना है, इन सबको करना है बंद। हमें भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, इसको हमें कर देना है बंद। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ वर्डप्रेस के बारे में, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और किन से क्या क्या होता है। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, आपका डैशबोर्ड एरिया है। कोई भी अगर अपडेट आएगा तो अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस का अपडेट आया है, थीम का अपडेट आया है, प्लगइन का अपडेट आया है, वो सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पोस्ट का ऑप्शन आता है, जहाँ पर कि आपके सारे पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरी और टैग, ये क्या होता है बता देता हूँ। जैसे कोई भी आर्टिकल आप लिखते हैं वो पोस्ट में जाके आप करेंगे ऐड न्यू, तो वहाँ जाके आप आर्टिकल्स को लिखते हैं। अगर आप जितने भी आर्टिकल देखना चाहिए कहाँ पे हैं, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको आपके सारे आर्टिकल्स दिख जाएंगे। उसी के नीचे ठीक कैटेगरी का ऑप्शन है, जैसे कि आपकी कैटेगरीज हो सकती हैं मेरी, जैसे मैं गेमिंग चेयर की बात कर रहा हूँ, गेमिंग चेयर, ऑफिस चेयर, किड्स चेयर, और भी मतलब चेयर से रिलेटेड और भी मैं अलग अलग कैटेगरीज बना सकता हूँ। तो वो जहाँ यहाँ पे जाके हमारी कैटेगरीज बनती हैं। उसके नीचे टैग का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैं गेमिंग चेयर की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें बात कर रहा हूँ गेमिंग चेयर अंडर 2000, तो मैं एक टैग बना सकता हूँ गेमिंग चेयर चीप, गेमिंग चेयर नियर मी, इस तरह के कुछ मैं टैग को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो ऑप्शन था हमारे पोस्ट के अंदर, ऑल ऐड कैटेगरी टैग। उसके बाद मीडिया का ऑप्शन आता है। मीडिया के ऑप्शन में आपकी जितना भी लाइब्रेरी में, मीडिया में आपका जितना भी फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी आपकी मीडिया में स्टोर होती हैं, जो भी आपकी वेबसाइट या ब्लॉग में आप यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है आपका पेजेस का। पेजेस में आपके सारे के सारे पेजेस दिखते हैं, और आप नए पेज को ऐड करना चाहो तो नए पेज को भी यहाँ से क्रिएट करते हो। अभी आगे जाके हम कुछ पेज को क्रिएट करेंगे तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कमेंट का। जब भी कोई आप आर्टिकल्स लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, तो उसमें लोगों का कमेंट आता है, उस कमेंट का आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कोई लोग स्पैम भी करें, तो आपको उनको अप्रूव, अनअप्रूव, डिलीट, सब कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। एंड क्रिएटिव मेल फीडबैक, ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, अभी हम इसको हटा देंगे।
WP फॉर्म एक प्लगइन है, फॉर्म का प्लगइन है जिसमें कि आपको ब्यूटीफुल फॉर्म मिल जाते हैं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कोडिंग के। सिंपल आपको वहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ों पे करना होता है और आपका ऑटोमेटिक एक फॉर्म क्रिएट हो जाता है। बस आपको शॉर्ट कोड को यूज़ करना होता है, वो सब कुछ आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या होता है, और आपका फॉर्म ऑटोमेटिक एनेबल हो जाता है आपके कॉन्टैक्ट अस पेज पे या फिर सब्सक्राइबर पेज पे, कहीं पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद ये सेक्शन आता है अपेयरेंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे थीम्स, कस्टमाइज, विजेट, मेन्यू, बैकग्राउंड, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। थीम्स क्या होती है, पहले मैं अभी आपको आपकी साइट ओपन करके दिखाता हूँ कि अभी आपकी साइट कैसे दिख रही है। हमारी साइट का जो लेआउट होता है वो हमारे थीम से ही कंट्रोल होता है। जैसे कि अभी आपको ये लेआउट दिखाई दे रहा है जो कि आपकी थीम सेलेक्टेड है 2021। आपको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, थीम में दिखाता हूँ एक बारी। यहाँ पे आने के बाद अभी हमारा ये एक्टिव है 2021, इसलिए हमारे को वो दिखाई दे रही है हमारी वेबसाइट के लुक। अगर मैं इसको चेंज करके कर दूँ यहाँ पे 2020 और इसको मैं अगर एक्टिवेट कर देता हूँ, तो अभी मैं अपने डिज़ाइन को यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे डिज़ाइन का जो कंटेंट था या फिर उसका कलर था वो बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे थीम से अपने अपेयरेंस में, थीम में जाके अपने थीम्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे थीम्स आपको मिलते हैं, प्रीमियम थीम्स भी मिलती हैं। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। अभी आगे जाके हम वो सबको चेंज करने वाले हैं। एंड उसके बाद कस्टमाइज़ का ऑप्शन होता है। हर थीम की अपनी अलग अलग कोडिंग होती है, अलग अलग कंपनीज की थीम होती है, अलग अलग डेवलपर उसको बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं, तो सबका अपना अलग स्ट्रक्चर होता है। तो कस्टमाइज में जाके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें मिल जाती हैं, जैसे कॉमन चीज़ें होती हैं, मेन्यू हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, कलर हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, ये सब चीज़ें हम यहाँ से जाके जस्ट क्लिक करके उसको मैनेज कर सकते हैं। कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको टाइप करना है, सबको सिलेक्शन करना होता है और आराम से ईजिली हो जाता है। विजेट्स में क्या होता है, विजेट्स आपके जो आर्टिकल्स के जितने भी पोस्ट होते हैं उसके राइट साइड का जो सेक्शन होता है हमारा विजेट्स कॉल विजेट्स कहलाता है। उसमें आप अपने कुछ भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, अपने पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, अपनी एड्स को शो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप विजेट्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं। उसके लिए ठीक आता है मेन्यू का ऑप्शन। जैसे कि अभी आप वेबसाइट में देख रहे हो कोई मेन्यू नहीं है, खाली एक सैम्पल पेज का है वही आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे मेन्यू बना लेंगे, जैसे कि होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, टर्म्स कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ये अलग अलग पेजेस हैं, आप चाहें तो कैटेगरी को भी मेन्यू में ला सकते हैं और पेजेस को भी मेन्यू में ला सकते हैं और पोस्ट को भी मेन्यू में ला सकते हैं, वो भी मैं अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगा। बाकी ये सेक्शन थीम एडिटर का होता है, इसमें आपको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये डेवलपर के ही एरिया है। अगर आपको डेवलपमेंट की या फिर कोडिंग की नॉलेज है तो भी आपको इस एरिया में आना है, वरना आपको यहाँ पे कभी भी नहीं आना। उसके बाद ये सेक्शन आता है प्लगइन्स का। प्लगइन क्या होते हैं, प्लगइन हमारे वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को ऐड करने का काम करते हैं। कह सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर टाइप का होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको WP फॉर्म के बारे में बताया, ये एक प्लगइन है जो कि आपको वेबसाइट में फॉर्म की आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। आपको बस वहाँ पे जाना होता है, उनको टिक मार्क करना होता है, वो फॉर्म ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है। इसी तरीके से प्लगइन काफ़ी सारे अलग अलग तरह के होते हैं, SEO प्लगइन होते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन होते हैं, डिज़ाइन के प्लगइन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लगइन आते हैं जिनको आगे आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा प्लगइन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड प्लगइन में भी आपको सिंपल सा होता है, जितने इंस्टॉल्ड होंगे वो देख सकते हो, ऐड न्यू कर सकते हो, ये सब काम आप प्लगइन से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यूज़र का क्या रोल होता है, यहाँ पे आप अलग अलग तरह के यूज़र बना सकते हो और उनको अलग अलग रोल दे सकते हो। जैसे कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए किसी एक अलग यूज़र को असाइन कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट में आपके रिटर्न्स आते हैं, उसके लिए आप एक अलग यूज़र असाइन कर सकते हो। आपके ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश करने के लिए अलग यूज़र असाइन कर सकते हो। तो अलग अलग रोल के लिए अलग अलग यूज़र को आप असाइन कर सकते हो, किसी को एडमिन बना सकते हो, किसी को ऑथर बना सकते हो, अलग अलग रोल आप असाइन कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद एक टूल्स का ऑप्शन है जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब बेसिक चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है, जहाँ पे कि आप जनरल सेटिंग में जाके आपकी जो साइट का टाइटल होता है, उसकी ईमेल आईडी होता है, कोई रजिस्टर कर पाए ना कर पाए, आपका टाइम जोन होता है, सब कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अभी हम सब कुछ जानेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कुछ आपको लॉग इन लॉग आउट वगैरह का ऑप्शन मिलता है बेसिक सा। तो बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अभी अब आगे के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जनरल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको आपका साइट टाइटल दिखता है। आप टैगलाइन डालना चाहें तो टैगलाइन डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका एस एनेबल रहना चाहिए। अगर एस नहीं होते यहाँ पे, आपको एस डाल के इसको यहाँ पे
सेव करना है, और अगर सेव करने के बाद आप लॉग आउट हो जाते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पासवर्ड बनाया था, जो कि आपने पासवर्ड यहाँ पे सेव करके रखा हुआ था, यूज़र नेम पासवर्ड, वही डाल के आपको दोबारा से लॉग इन करना है और आप लॉग इन आराम से कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए SSL वगैरह में, तो आप सिंपल इनके सपोर्ट में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि SSL आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है, या फिर आपने SSL किया था उसके बाद से आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो आपकी प्रॉपर हेल्प कर देंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आपको एडवांस के बटन पे जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ब्लू होस्ट का सी पैनल ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये SSL स्टेटस का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। SSL स्टेटस के ऑप्शन में आने के बाद आपको सिंपली अपने डोमेन को फाइंड करना है। जैसे मेरा यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें SSL एक्टिवेट है। अगर आपके केस में एक्टिवेट में दिक्कत होगी, वो बंद हो रहा होगा, नहीं खुल रही होगी साइट, तो इसका मतलब वो एक्टिवेट नहीं होगा। आपको यहाँ पे जाके इसको सबको टिक करके रन ऑटो SSL करना है। जब आप रन ऑटो SSL करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा, 1-2 मिनट का टाइम लेगा। आपके सारे एक्सटेंशंस में जितने भी डोमेन्स हैं उनके ऊपर वो SSL को एक्टिवेट कर देगा, और उसके बाद जब वो मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली, पेज आपका लोड होगा, रिफ्रेश होगा और ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा। हो सकता है कि 1-2 बारी में ना हो, तो आप इसको 1-2 बारी ट्राई करके ज़रूर देखना, ये ग्रीन अपने आप हो जाएगा। और जब ये ग्रीन हो जाए तो 5-10 मिनट के बाद आप दोबारा एक बार लॉग इन करके देखना, आपका जो वर्डप्रेस है वो लॉग इन हो जाएगा। तो ये तो था ये वाला सेक्शन। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह चेक करनी, यही होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका टाइम जोन होता है, इस टाइम जोन को भी आप यहाँ पे एशिया में कोलकाता कर सकते हैं। यहाँ पे एशिया में कोलकाता, ये रहा, इसको कोलकाता करना है और सेव चेंजेस पे करना है क्लिक। इतना करने के बाद आपको राइटिंग सेक्शन में कुछ नहीं करना, रीडिंग सेक्शन में आपका काम होता है। जैसे कि अभी योर लेटेस्ट पोस्ट, आपका ये सेक्शन इनेबल है, तो यहाँ पे मैं आपको अपनी वेबसाइट का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरी ये वेबसाइट है webtechnicaltips.com। अभी ये इसका होम पेज है, कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपका ये सेक्शन यहाँ पे टिक होगा तो इसका मतलब आपके जो ब्लॉग हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके का आपको आपका सेक्शन, आपकी वेबसाइट दिखेगी, आपको आपका जो ब्लॉग है वो इस तरीके का दिखेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका सेक्शन इस तरीके का ना दिखे, कुछ इस तरीके का अलग डिज़ाइन दिखे, आप डिज़ाइन जो बनाएंगे वो दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपका जो होम पेज है यहाँ पे जाके, अभी आप हम पेजेस बनाएंगे, आपको यहाँ पे पेजेस बनाने होते हैं, होम पेज बनाएंगे आप, उस होम पेज को यहाँ पे अस्टैटिक करना है और यहाँ पे वो होम पेज दिखना शुरू हो जाएगा। आपको उस होम पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ पे सेव कर देना है। जब आप यहाँ पे सेव कर देंगे तो आपका जो होम पेज पे जो भी आप चीज़ करेंगे, जो भी आप होम पेज पे काम करेंगे, चाहे वो आप ब्लैंक छोड़ दो, चाहे वहाँ पे आप आर्टिकल डाल दो, चाहे वहाँ पे इमेजेस डाल दो, चाहे वहाँ पे आप आपको चाहे या तो वहाँ पे आप इस तरीके का कोई डिज़ाइन बनाओ एलिमेंटर के थ्रू और उसको सेव कर दो, देन वो उसी पेज को उठाएगा और आपके जब भी कोई डोमेन नेम डालेगा तो इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी। तो ये इसका काम होता है। इसको करने के बाद यहाँ पे डिस्कशन का कोई एक सेक्शन होता है, जिसमें कि आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई कमेंट करता है तो कमेंट कैसे करना है, उसको अप्रूव करना है नहीं करना, कोई स्पैम करता है तो उसको ब्लॉक कैसे करना है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। IP एड्रेस डालवा के भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये मीडिया सेक्शन नहीं, परमा लिंक सेक्शन जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे आना है, इसको पोस्ट नेम टिक करना है और इसको सिंपल सेव कर देना है। बाकी सब इसको स्किप करके सीधा पोस्ट नेम करना है और आपको सिंपल इसको सेव कर देना है। तो ये थी आपकी बेसिक सी सेटिंग वर्डप्रेस की, जो कि इंपॉर्टेंट थी, आपको करनी होती है। उसके बाद आती है बारी रिमूव यू अनयूज्ड प्लगइन एंड थीम। तो यहाँ पे आना है आपको, सबसे पहले जो प्लगइन्स हैं उसमें सेक्शन पे क्लिक करना है आपको। प्लगइन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएटिव मेल, WP ऐप, और यहाँ पे क्लिक करके इसको डीएक्टिव करना है। पहले डीएक्टिव करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है सबके ऊपर, और ब्लू होस्ट वाले को छोड़ के एंड जेट पैक को छोड़ के आपको सिंपल यहाँ पे इसको डिलीट करना है और अप्लाई करना है। जितने भी अनयूज्ड प्लगइन है और थीम है उसको हमको नहीं रखना, अपनी साइट को जितना लाइट रख सकते हैं उतना हम रखने की कोशिश करेंगे। तो भी यहाँ पे हमारे अनयूज्ड प्लगइन यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारी थीम की। थीम में जाएंगे हम, जैसे कि अभी आप गए थे, एंड जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स हैं इनको यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। सो भी यहाँ पे हमने अपने अनयूज्ड थीम्स को रिमूव कर दिया है। बट यहाँ पे हमारे को ब्लॉगिंग करने के लिए अच्छी लाइट वेट थीम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम सिंपल यहाँ पे फ्री है उसको यूज़ करेंगे। अपलोड के बटन पे करना है आपको क्लिक, एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जनरेट प्लस, या फिर पॉपुलर में जाके भी आप देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगा, जैसे कि ये एस्ट्रा है, ओशन WP है, एंड ये जनरेट प्रेस,
ये दो तीन थीम ऐसी हैं जिनमें से आप कोई भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत लाइट वेट थीम है। और WP ओशन WP एक ऐसी थीम है जो कि आपको फ्री में बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, जो कि आपको प्रीमियम थीम्स के अंदर ऑप्शन मिलते हैं। ओशन WP में आपको फ्री मिल जाते हैं, एस्ट्रा में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बट अभी आज के इस ट्यूटोरियल में हम जनरेट प्रेस को यूज़ करेंगे। तो सिंपल आपको इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इसको आपको एक्टिवेट करना है और ये वाली थीम को जाके हमें डिलीट कर देना है। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमने जनरेट प्रेस को एक्टिवेट कर दिया, हमारा डिज़ाइन कैसे दिखने में लग रहा है। इसको आपको रिफ्रेश करना है। अब आप देखेंगे हमारी साइट का लुक टोटली चेंज हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्रिएट यूजफुल पेज होम अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी एंड एक्स्ट्रा। जो भी है आपको सिंपली यहाँ पे आना है पेजेस पे, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको पेजेस दिखेगा, एक सैम्पल पेज दिखेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है वर्डप्रेस की तरफ से, और ये प्राइवेसी पॉलिसी का दिखेगा। तो अभी क्या करते हैं, क्विक एडिट, इसको करते हैं पब्लिश और अपडेट। अभी कंटेंट को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे वो सब कुछ मैं भी आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे काम करते हैं, पहले मैं आपको चेंज करके ही दिखा देता हूँ। ये जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट है, आपको इसको कॉपी करना है, जो कि साइट हमारी शायद यहाँ खुली हुई है। यहाँ पे आपको आपको कंपनी का नेम डालना है, जैसे मैंने गेमिंग गेमिंग गेमिंग्स और यहाँ पे गेमिंग जोन .com ये मैंने आपको दिखाने के लिए खाली किया है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे आपकी कंट्री जो भी है, इंडिया है, इंडिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपकी आपकी स्टेट को सेलेक्ट करना है, कोई सी जो भी आपकी स्टेट है स्टेट को आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको सिंपल करना है जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, और आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है gamingzo@gmail.com। यहाँ पे आपको जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी का बटन है, उस पर क्लिक करना है सिंपल। सो यहाँ पे सिंपल उसने आपके लिए जनरेट कर दिया है, ये है इसका प्रीव्यू और ये है, आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और या फिर आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं कॉपी। और अपनी वेबसाइट में आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको करना है इसको एडिट। एडिट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, सिंपल जितने भी चीज़ें हैं सारी की सारी आपको यहाँ से रिमूव कर देनी है और पेस्ट करना है अपना ये वाला कंटेंट जो हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ अपने आप उसने डाल दिया है, जो डालना था सारे लिंक विंक जितने भी जनरेट करने होते हैं सारे वो अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट कर चुका है। gamingzone.com यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आपको इसके बाद सीधा यहाँ पे अपडेट करना है, इसी तरीके से बाकी भी पेजेस होते हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। एंड ये रहा टर्म्स कंडीशन, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, ये कुछ बेसिक से पेज हैं जो आपकी वेबसाइट में होने जरूरी ही जरूरी हैं, चाहे आप एफिलिएट करते हो, चाहे आप एडसेंस के लिए बाद में अप्लाई करने वाले हो, ये पेज आपकी वेबसाइट में होने बहुत ज़रूरी हैं। तो फटाफट से सारे पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नया पेज क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू के बटन पे करना है क्लिक, होम, पब्लिश, पब्लिश, ऐड न्यू, अबाउट अस, पब्लिश, पब्लिश, ऐड न्यू, कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश, पब्लिश। यहाँ पे हमारे कुछ पेजेस बन चुके हैं, और जो ये जो एक दो पेज रह गए हैं टर्म्स कंडीशन डिस्क्लेमर का, वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारे अभी कितने पेजेस बन गए हैं, चार पेजेस बन गए हैं आई थिंक, चार पेजेस यहाँ पे हमारे बन चुके हैं और सैम्पल वाले को हम कर देंगे ट्रैश, ठीक है। चार पेज हमारे बन चुके हैं। अब उसके बाद बारी आती है क्रिएट कैटेगरी, क्रिएट मेन्यू। तो पहले कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको पोस्ट में जाना है कैटेगरीज में, जैसे कि मैंने आपको बताया था अलग अलग कैटेगरीज आप बना सकते हो। अनकैटेगराइज का एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है वर्डप्रेस की तरफ से, यहाँ पे गेमिंग, शेयर, कॉपी पेस्ट, ऐड न्यू, इसी तरीके से आप बना सकते हो ऑफिस चेयर, कॉपी पेस्ट, ऐड न्यू, इसी तरीके से बना सकते हो किड्स चेयर, कॉपी पेस्ट, ऐड न्यू।
तो यहाँ पे हमारे कुछ कैटेगरी हमने बना दिए हैं। और कैटेगरी के बाद बारी आती है मेन्यू की। मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको अपेयरेंस में आना है, यहाँ पे मेन्यू पे आना है। यहाँ पे मेन्यू पे आने के बाद आपको पहले अपना मेन्यू क्रिएट करना होता है, तो मेन्यू में मेन्यू वन कर लेंगे हम एंड इसको हम कर देंगे क्रिएट मेन्यू। अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मेन्यू हमारा किस तरीके का दिख रहा है। अभी यहाँ पे खाली सैंपल पेज था, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी होम अबाउट कॉन्टैक्टर्स। अब इसको हम मैनेज भी करना चाहें तो मैनेज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओपन नीचे जैसे हम चाहें। यहाँ पे कस्टम लिंक वाले को पहले हम कर देंगे रिमूव, होम को ले आएंगे सबसे ऊपर, अबाउट को उसके नीचे, कॉन्टैक्ट को उसके नीचे एंड प्राइवेसी पॉलिसी को इस तरीके से करके प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करके हम इसको सेव मेन्यू कर सकते हैं। अभी आप रिफ्रेश करके देखेंगे यहाँ पे होम अबाउट कॉन्टैक्टस प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे आ गया। अभी कुछ और भी हम यहाँ पे चीज़ें डालना चाहें, जैसे कि कैटेगरी हम कोई कॉल कराना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल कैटेगरी आएगी, गेमिंग किड्स ऑफिस ऐड टू मेन्यू, या फिर हम चाहते हैं कि कोई किसी के सब मेन्यू बनना चाहे तो हम सिंपल एक काम करते हैं, अबाउट के अंदर कॉन्टैक्ट को हम इस तरीके से करेंगे आगे तो अबाउट का सब मेन्यू बन जाएगा ये, और इसको हम सेव करेंगे। और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं होम अबाउट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्टस जो कि हमने सब मेन्यू क्रिएट किया था, प्राइवेसी पॉलिसी, गेमिंग चेयर, किड्स चेयर, ऑफिस चेयर। इस तरीके से आप मेन्यू और सब मेन्यू क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद अब बारी आती है हमारे मेन काम की, हाउ टू राइट योर फर्स्ट आर्टिकल। सबसे पहले आपको आर्टिकल लिखने से पहले एनालाइज करना होता है अपने कॉम्पिटिटर्स को। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सर्च करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गेमिंग चेयर, अमेजन फ्लिपकार्ट को छोड़ दीजिए, प्राइम जीबी, पीसी गेमर, एयर कूल आईओ, लॉजिटेक जी डॉट कॉम, डी एक्स रेसर। तो ये कुछ वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे ओपन करी हैं। ये जो ई कॉमर्स टाइप की हैं इनको तो हम स्किप कर सकते हैं, जैसे कि एक ये था पीसी गेमर, गेमिंग चेयर, ये ई कॉमर्स टाइप की हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमें जो मेन करना है कुछ ऐसे कंटेंट्स को करना है जो कि हम ब्लॉग के थ्रू देख सकें और उनको ब्लॉग से एनालाइज कर सकें और ब्लॉग उस तरीके का हम बना सकें। तो यहाँ पे थोड़ा और सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला खोल रखा है पीसी गेमर द बेस्ट गेमिंग चेयर इन 2021, हम इसको देखेंगे। इंडिया वायर 8 मोस्ट कंफर्टेबल गेमिंग चेयर फॉर ऑल बजट, हम इसको देख सकते हैं। टेक रडार बेस्ट गेमिंग चेयर 2021 द बेस्ट पीसी गेमिंग चेयर, हम इसको देख सकते हैं। बेस्ट गेमिंग चेयर इन इंडिया, हम इसको भी देख सकते हैं। तो अभी हम 4 वेबसाइट हमारे को मिल गई हैं, एज ए कंपटीटर हम इनको लेके चलते हैं, हम देखते हैं इन्होंने कैसे काम किया और क्या काम किया। सबसे पहले इनका हम टाइटल देखेंगे, टाइटल कितना कैची है, टाइटल में कीवर्ड है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद इनका कंटेंट देखेंगे, कंटेंट का तरीका देखेंगे, किस तरीके से कंटेंट लिख रहे हैं, किस तरीके से ये इंटरनल लिंक को कॉल करा रहे हैं, अपने दूसरे आर्टिकल्स को यहाँ पर दिखा रहे हैं, और किस तरीके से ये प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, टुडे बेस्ट डील में वो अमेज़न के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हैं सीधा, रीज़न टू बाय बता रहे हैं यहाँ पे, रीज़न टू अवॉइड बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक बिल्कुल ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर, ताकि यूज़र जो भी आपका आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसको ये ना लगे कि ये खाली फ़ायदे वाले काम बता के अपनी अर्निंग करना चाहता है, क्योंकि सब समझदार हैं, सबको पता है कि अगर आप रिव्यू दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका इसमें एफिलिएट अर्निंग होगी या कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट होगा। बट अगर आप वहाँ पे कुछ रीज़न बता रहे हैं बाय करने के और कुछ अवॉइड भी करने के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब उनको यूज़र को लगेगा कि आप एक रियल फीडबैक दे रहे हैं। आपको कंटेंट का जो आर्टिकल लिखते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप खुद उस चीज़ को ढूंढ रहे हो तो आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर तरह की उन्होंने चेयर्स को शो किया है, उसके बारे में बताया है, उसके स्पेसिफिकेशन, रीज़न टू बाय, रीज़न टू अवॉइड, थोड़ा सा कंटेंट, मतलब इस तरीके से प्ले करा है इन्होंने। अब एक नेक्स्ट वेबसाइट है उसको भी ओपन करके देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से प्ले किया है। टाइटल, इमेज, कंटेंट,
इमेज उसको बाय करने के लिए दे रखा है बटन, प्राइस बता रखा है, फिर इमेज थोड़ा सा बता रखा है, इमेज मतलब अलग अलग प्रोडक्ट उनके बारे में और बाय करने के लिए सिंपल सा, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। टेक रडार में देखते हैं इन्होंने कैसे बता रखा है। बेस्ट गेमिंग चेयर 2021 द बेस्ट पीसी गेमिंग चेयर, टाइटल, कंटेंट, इंटरनल लिंकिंग भी दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, फिर प्रोडक्ट उसके बारे में, रीज़न टू बाय, रीज़न टू अवॉइड। तो मोस्टली केसेस में लोगों ने इस तरीके से ही कर रखा है, फर्स्ट साइड में भी था, सेकंड साइड में भी है, एंड थर्ड साइड एक बार हम चेक कर लेते हैं। एंड थर्ड साइड में भी मुझे ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है, प्रोडक्ट के बारे में, टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट, एंड विच इज़ बेस्ट गेमिंग चेयर इन इंडिया, प्रोडक्ट बाय स्पेसिफिकेशन, प्रोस कॉन्स बाय ऑन अमेजन। तो बेसिक से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से ही लेके लोग चल रहे हैं। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने देख लिया कि आपके कंपटीटर कैसे काम कर रहे हैं, आपको वो चीज़ तो करनी करनी है, मगर उसमें आपको क्या ऐड करनी, अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको अपनी ये एक्स्ट्रा जो नॉलेज है आपको इसको ऐड करना है अपने उस आर्टिकल के अंदर, ताकि जो आपके कंपटीटर कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, आप उसके साथ साथ आप अगर उस कैटेगरी में लिख रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब आपको उसके बारे में और भी चीज़ें पता होंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो स्किप कर रहे हों आपके कंपटीटर, आपको वो सब चीज़ें भी ऐड करनी है और बिल्कुल जेन्युइन वे में उस आर्टिकल को लिखना है अपने यूज़र्स के लिए जो कि आपकी वेबसाइट में आने वाले हैं फ्यूचर में। तो इस तरीके से आपको एक आर्टिकल का ध्यान रखना है, कंपटीटर को देखना है, आपकी अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज को ऐड करना है, राइट, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आपको लिखने हैं, ऑन पेज एसईओ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑन पेज एसईओ में जैसे कि आपका H1 टैग एक बार ही आना चाहिए, कैची टाइटल प्लस कीवर्ड, जैसे कि आप मैंने बताया था एक कैची टाइटल होना, साथ में आपका कीवर्ड भी होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आर्टिकल आप लिख रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर, जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, इन शॉर्ट आप उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सको अपने डिस्क्रिप्शन में विद कीवर्ड। उसके बाद आपके ऑन पेज एसईओ में आपका S2 टैग, सब हेडिंग आपको जरूर यूज़ करनी है, सब हेडिंग के साथ आपको यूज़फुल फीचर्स के बारे में बताना है, बुलेट्स पॉइंट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, इमेजेस को यूज़ करना है, और जो भी आप इमेजेस में यूज़ करेंगे वो इमेजेस आपके कीवर्ड से रिलेटेड होने चाहिए, या फिर आपके एग्जैक्ट किसी ब्रांड के बारे में उसमें बता रहे हो, कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है उस ब्रांड के नाम होना चाहिए उसके बारे में। और कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि आपके लिखते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कुछ वीडियोस होती हैं प्रोडक्ट को वीडियो एक्सप्लेन करती हैं, उस वीडियोस को आप ऐड कर सकते हो, शॉर्ट पैराग्राफ्स आपको यूज़ करने ताकि यूज़र बोर ना हो, वो पढ़े, उसको ऐसी फील आनी चाहिए कि वो कोई सामने उसके बैठा है, उसके साथ बैठ के वो पढ़ रहा है या फिर वहाँ से उसको आंसर मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस उसको लगे हाँ भाई पैराग्राफ लिखा हुआ है, बस उसको पेस्ट कर रखा है और पढ़ने के लिए बोर हो जाए, नहीं, आपको ऐसे लिखना है जैसे कि आप खुद वो चीज़ ढूंढ रहे हो और आप उसका रिजल्ट फाइंड करना चाहते हो। इससे क्या रहता है, ये सब चीज़ें रहती है ना, बुलेट पॉइंट, यूजफुल फीचर्स, इमेजेस, वीडियो, शॉर्ट पैराग्राफ, इससे क्या रहता है यूज़र का एंगेजमेंट बढ़ा रहता है, यूज़र स्किप नहीं करता आपकी वेबसाइट को, वो स्क्रॉल करता है बॉटम तक, आपकी वेबसाइट पर रुकता है, वीडियो भी देखता है, इमेजेस भी उसको लगता है, तो मतलब आपकी वेबसाइट पर अगर रुकता है तो गूगल को लगता है, गूगल को एक मैसेज जाता है हाँ भाई यूज़र आया है, इतनी देर तक इस पेज पर रुका है, उसने इतना स्क्रॉल किया है, हाफ स्क्रॉल किया है, बॉटम तक गया है या फिर ऊपर से चला गया, इन सब चीज़ों के हिसाब से भी आर्टिकल की रैंकिंग होती है। तो आपको आर्टिकल लिखना इस तरीके से है कि यूज़र आए और रुके, बाउंस रेट आपकी वेबसाइट का अच्छा बने। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है राइट करते टाइम, अपने मतलब जब भी आप राइट करेंगे अपना आर्टिकल, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद बारी आती है आपको अपने पेज के ऊपर SEO प्लगइन को यूज़ करना है, लाइक योस्ट एंड रैंक मैप, जो कि SEO प्लगइन होते हैं जो कि आपको थोड़ी हेल्प करते हैं आपके आर्टिकल लिखते टाइम, वो मैं भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आना है प्लगइन में, एड न्यू में आना है और यहाँ पे सर्च करना है योस्ट, फर्स्ट प्लगइन आपका जो आएगा आपको इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके, आपको सिंपल इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बॉटम में योस्ट SEO का एक ऑप्शन आ गया है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आप इसके फीचर्स में जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ जो ऑन है ऑन, जो बंद करना है बंद कर सकते हो, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और वेबमास्टर टूल्स के भी यहाँ पे वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सर्च अपेयरेंस में आपको आना है, यहाँ पे सर्च अपेयरेंस में आने के बाद आप यहाँ पे अपने होम पेज के नीचे आके सोशल सेटिंग्स में अपनी इमेज वगैरह को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल है, ये सब चीज़ सेलेक्ट करके नेम वगैरह डाल के, लोगो वगैरह अपलोड करके इसको सेव कर सकते हैं।
एंड इसके बाद आपको सोशल में आना है। सोशल में आने के बाद आपके जो भी अकाउंट प्रोफाइल है वो ऐड करना है। फेसबुक में आपको इनेबल है यहाँ पे आपका ओपन ग्राफ जो होता है, OG टैग जो कि बहुत ज़रूरी होता है। डिफ़ॉल्ट इमेज डालनी होती है सेलेक्ट करके और सेव करना होता है। इसी तरीके से ट्विटर एंड पिंटरेस्ट में भी आपको करना होता है। तो ये तो यहाँ पे आपकी बेसिक सी सेटिंग होती है। अब योस्ट का आपके आर्टिकल में क्या रोल रहता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको एक पोस्ट लिखनी है ऐड न्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई एक आर्टिकल उठा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, जैसे कि मैं यही वाला आर्टिकल उठा लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं खाली आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। कॉपी बेस्ट गेमिंग चेयर इन 2021 और आपका जो कंटेंट आपने कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपका कंटेंट यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपका जो बेस्ट गेमिंग चेयर है इसको कॉपी करना है और आपके जहाँ कंटेंट ख़त्म हो रहा है वहीं पे लास्ट में आपको योस्ट SEO का सेक्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको आपका मोबाइल रिजल्ट दिख रहा है, डेस्कटॉप रिजल्ट दिख रहा है, इस तरीके का ये दिख रहा है। यहाँ पे आप अपना स्लग को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप अपनी स्लग को ऐड कर सकते हो, बेस्ट गेमिंग चेयर इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना जो SEO एनालिसिस है इसको देख सकते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। इसको आप एक्यूरेट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे तो आपका स्कोर अपने आप ठीक हो जाएगा और आपका जो आर्टिकल है वो एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जब भी आप एक फर्स्ट आर्टिकल अपना लिख रहे होंगे तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद आपको इंटरनल लिंक ऑफ योर आर्टिकल, जैसे कि आप इस आर्टिकल की ही हम अगर बात करें, इस आर्टिकल की ही हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है PC गेमर कंपनी का अपना एक PCGamer.com बेस्ट गेमिंग चेयर एक्सट्रीम गेमिंग PC बिल्ड। आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखना एक सब लिंक बना हुआ है। तो उन्होंने अपने दूसरे आर्टिकल्स यहाँ पे भी अपने दूसरे आर्टिकल यहाँ पे भी अपने दूसरे आर्टिकल को वो रेफर कर रहे हैं। अगर ये आर्टिकल इनका रैंक कर गया, कोई यहाँ पे ट्रैफिक अच्छा खासा आने लग गया तो वो इन आर्टिकल्स के ऊपर भी जाएंगे, उनको वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो क्या होगा, वेबसाइट के आने के बाद यूज़र दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाएगा, इसी वेबसाइट में थोड़ी देर तक घूमता रहेगा, जिससे क्या रहेगा इनके दूसरे आर्टिकल्स में भी ट्रैफिक जाएगा, इनका बाउंस रेट अच्छा होगा, गूगल की नज़रों में इसकी रैंकिंग अच्छी होगी। तो इंटरनल रैंकिंग इंटरनल लिंक का होना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आपको अपने आर्टिकल्स में आपके टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट लिखना होगा जो कि आपस में एक दूसरे से मिक्स मैच होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से इंटरनल लिंक होना चाहिए। अब उसके बाद बारी आती है आपकी आउटबाउंड लिंक की। आउटबाउंड लिंक का मतलब यहाँ पे ये रहता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस के ऊपर है, आपने वर्डप्रेस के ऊपर कुछ टॉपिक लिखा है। अब वर्डप्रेस के अंदर आप, हो सकता है कि किसी थीम कोई एक, जैसे कि योस्ट SEO ही है, योस्ट SEO एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है, पुरानी कंपनी है और इनकी जो वेबसाइट की अथॉरिटी है वो बहुत अच्छी है और आपने योस्ट SEO के बारे में कुछ बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे योस्ट SEO को अगर रिकमेंड कर रहे हो सीधा, अपने आर्टिकल में सीधा योस्ट SEO का लिंक डाल रहे हैं, तो गूगल की नज़रों में क्या रहेगा कि आपने योस्ट SEO के बारे में बताया और योस्ट SEO को आप लिंक भी दे रहे हो, अपने ऑडियंस को एक राइट साइट के ऊपर मूव कर रहे हो, तो आपकी भी अथॉरिटी, अच्छी अथॉरिटी की वेबसाइट को बता रहे हो तो गूगल भी समझता है कि हाँ बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये और एक अच्छी अथॉरिटी को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद बारी आती है यूज़ TOC टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट भी हमारे को यूज़ करना चाहिए। उसको यूज़ करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको पहले पब्लिश कर लेते हैं और यहाँ प्लगइन में आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू के बटन पर करना है क्लिक। तो यहाँ पे करना है टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे आपको इजी टेबल ऑफ कंटेंट को इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है और यहाँ पे इसकी सेटिंग होती है, यहाँ से भी मिल जाएगी आपको या फिर यहाँ से भी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इसको पोस्ट पे करना है, पोस्ट पे करना है, इसको आप करना है शो वैंक 2+ एंड बस इतना करने के बाद इसको सेव चेंजेस पे करना है क्लिक। और अपने वेबसाइट के इस पोस्ट के ऊपर एक बार जाके हम चेक करते हैं, यहाँ पहले रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमने ये आर्टिकल लिखा था, इसको एक बार चेक करके देखते हैं इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आया या फिर नहीं आया। देख रहे हैं आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ गया।
तो इसका बेनिफिट क्या रहता है, कोई अगर आपकी वेबसाइट पे आता है, आपने बेस्ट गेमिंग चेयर के बारे में बताया, इस कंपनी का बताया, उसके स्पेसिफिकेशन रीजन टू बाय फिर इस कंपनी का बताया, किसी भी यूज़र को सीधा लॉजिटेक वाली पे ही जाना है, उस पर जाएगा, उसके स्पेसिफिकेशन देखना चाहता है, सीधा क्लिक करेगा स्पेसिफिकेशन पे, सीधा यूज़र पहुंच जाएगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसलिए देखने में ऐसा लग रहा है, हम जब अगर डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से लिखना है, अच्छे से बनाना है आपको, प्रॉपर तरीके से उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, इमेजेस, वीडियो, बुलेट पॉइंट, उसका H1 टैग, 2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, जो भी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए वो सब कुछ हमें यूज़ करनी है। इमेजेस को किस तरह से यूज़ करना है, उसमें ऑल टैग को जरूर यूज़ करना है। तो ऑन पेज SEO में सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका स्लग, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके रैंकिंग के लिए। ये यूज़ करने के बाद आपको अपनी साइट को सबमिट योर साइट टू सर्च कंसोल, सबमिट साइट मैप। अच्छा, योस्ट SEO यूज़ करने का एक बेनिफिट ये रहता है कि आपका योस्ट ऑटोमेटिक साइट मैप जनरेट कर देता है। तो इसको कैसे सबमिट करते हैं सर्च कंसोल में, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका साइट मैप आपको चेक करना है तो वो कैसे चेक कर सकते हो। आपको आपकी जो भी वेबसाइट है उसके लास्ट में sitemap.xml को सर्च करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका साइट मैप जनरेट हो रखा है, आपको खाली इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाना है गूगल सर्च कंसोल। आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखना है और उसके बाद ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे कुछ साइट्स ऐड हैं इसलिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप जब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको ऐड प्रॉपर्टी के लिए वो बोलेगा ऑटोमेटिक, तो ऐड प्रॉपर्टी, यहाँ पे URL प्रेफरेंस में आना है, आपका डोमेन नेम डालना है, जो भी डोमेन नेम पे आप काम कर रहे हो, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, वो आपको बोलेगा भाई ये कोड अपने होस्टिंग में जाके अपलोड करो। तो उस केस में आपको सीधा आना है अपने होस्टिंग के सी पैनल के ऊपर, एडवांस पे क्लिक करेंगे आप सी पैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड वहाँ पे आने के बाद आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। फाइल मैनेजर के ऑप्शन में आप आएंगे तो आप पब्लिक HTML का आपको ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको उस कोड को सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको उसको वेरीफाई करना है, जब वो वेरीफाई कर देगा आपका वो ओके हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का साइड मैप का एक आपको ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपको उसी URL को जो कि भी आपने कॉपी किया था sitemap_index.html को XML को सीधा सबमिट करना है और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे यहाँ पे वो सबमिट हो जाएगा और सक्सेसफुल स्टेटस आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, आपकी साइट पे जितनी भी एक्टिविटी होने वाली हैं, जितने भी यूज़र आएंगे किसी भी आर्टिकल में, किसी भी पेज पे, किसी भी ब्राउजर से, किसी भी कीवर्ड से, किसी भी क्वेरी से, सारी की चीज़ें सारी गूगल को पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ आपके पेज का एक्सपीरियंस, आपके मोबाइल यूजिबिलिटी, आपके जो भी कवरेज है, इंडेक्सिंग है, सब कुछ यहाँ से आपको पता चलेगी। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो भी आपको पता चल जाएगी, कोई पेज में प्रॉब्लम है तो भी आपको पता चलेगी। तो सर्च कंसोल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको गूगल एनालिटिक्स कोड को अपने ब्लॉग में ऐड करना है, वो कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप मेरे चैनल पे आएंगे, वीडियोस पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हाउ टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स इन वर्डप्रेस, ये वीडियो आपको देखनी होगी। आपको इसमें देख के पता चल जाएगा कि एनालिटिक कोड को कैसे अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारी यूज़फुल वीडियोस मिलती हैं वर्डप्रेस से, प्लगइन से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे आके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे, ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मेन चीज़ है रेगुलर वर्क फॉर बेस्ट रिजल्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रेगुलर वर्क नहीं कर रहे हैं, कंटेंट कितना मर्जी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है, मगर रेगुलर वर्क ही नहीं है, आप कंटेंट ढंग से डाल ही नहीं पा रहे हैं, तो रैंक कैसे करोगे आप? तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, रेगुलर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्लॉगिंग के करियर को ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, अब उसके बारी बारी आती है कि हाउ टू गेट कंटेंट आइडिया फॉर फ्री। आपने अपना फर्स्ट आर्टिकल लिख लिया मेहनत करके, आप धीरे धीरे करते 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 आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है, बट आप कुछ टाइम बाद जाके सोच रहे हैं कि अब आइडियाज़ कहाँ से लाऊं, किस कंटेंट के ऊपर लिखूं, अपना टॉपिक कहाँ से फाइंड करूं मैं। तो उस टाइम पे आपको ये स्टेप बहुत काम आने वाला है, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता लगने वाला है थोड़ी देर में। सबसे पहले आपको पिंटरेस्ट पे जाना है, पिंटरेस्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको पिंटरेस्ट सर्च करना है। आइडियाज़ की आपको कमी कभी नहीं होने वाली, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको फॉलो करना है। आप आर्टिकल लिखते लिखते थक जाएंगे,
मगर आइडियाज़ कभी कम नहीं पड़ने वाले आपको। यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप गेमिंग चेयर सर्च कर सकते हैं। गेमिंग चेयर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको टाइटल्स मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको टाइटल्स मिलेंगे जिनको लोग सर्च करते हैं। जैसे कि ये इमेज है, रेस कार स्टाइल, एडजस्टेबल हेड्स रीसेट, रेस्ट एंड लंबर पिलो, रॉकर, वायरलेस कनेक्टिविटी विद बिल्ट इन स्पीकर, रेक्लाइनर, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, द बेस्ट गेमिंग चेयर, यहाँ पे भी आपको उससे रिलेटेड ऑप्शन मिलने लग जाएंगे। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, उससे रिलेटेड जो अलग चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रिलेटेड सर्चेस, अनलिमिटेड गाइड, अल्टीमेट गेमिंग चेयर, बिलिंग गेमिंग, गेमिंग चेयर गर्ल, कंप्यूटर गेमिंग रूम, वही गेमिंग चेयर, इस तरह के आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपके आर्टिकल्स को राइट करने के लिए। कोरा हो गया, कोरा में भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, लोग जो फाइंड करते हैं वहाँ पे, उनके क्वेश्चंस का आप आंसर वहीं पे दे सकते हैं और वहीं से आप अपने एक आर्टिकल का लिंक दे सकते हैं, जिससे कि आपको बैकलिंक भी मिलेगा, ट्रैफिक भी मिलेगा और टॉपिक भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर कौन है वो आपको पता है, आपको अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो करना है, उसको देखना है वो किस किस टॉपिक पे ब्लॉग लिखता है, किस किस कीवर्ड पे वो काम करता है, उन सभी कीवर्ड्स के ऊपर, उन सभी टॉपिक के ऊपर आपको भी अपने आर्टिकल्स को लिखना है उनसे बेस्ट तरीके से। और उसके बाद गूगल ट्रेंड, तो मैंने आपको बताया था अभी गूगल ट्रेंड में आप कैसे फाइंड कर सकते हो आइडियाज़ उससे रिलेटेड जो भी होते हैं, सेम यही चीज़ रेडिट एंड यूट्यूब में भी चलती है। यहाँ पे भी जाके आप कीवर्ड्स को डालेंगे एंड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। उसके बाद आती है बारी बस सुमो की। बस सुमो क्या है, आपको सोशल मीडिया में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। एंड आंसर द पब्लिक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आंसर द पब्लिक, यहाँ पे आना है आपको, क्लिक करना है और सर्च करना है गेमिंग चेयर। यहाँ पे आप थोड़ी सी नीचे आएंगे, 72 क्वेश्चंस, प्रीपोजिशन 56, कंपैरिजन 40, अल्फाबेटिकल 200। 72 तो क्वेश्चंस ही हैं यहाँ पे जो कि आप लिख सकते हो, जो कि व्हाट, हु, विल, विच, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, कैन, आर। हाउ में अगर आप जाएंगे, हाउ टू मेक गेमिंग चेयर, हाउ टू क्लीन गेमिंग चेयर, हाउ मच गेमिंग चेयर कॉस्ट, हाउ मच गेमिंग चेयर इन फिलीपींस, व्हाट गेमिंग चेयर इज द बेस्ट, व्हाट गेमिंग चेयर टू बाय, हाउ गेमिंग चेयर, तो मतलब इतने सारे आपको मिल जाएंगे कि आप शायद थक जाओगे लिखते लिखते, लिखवाते लिखवाते, मगर कंटेंट का आइडिया कभी कम हो ही नहीं सकता, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और एक चीज़ और है आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको आर्टिकल लिखने तो होंगे, आपको लिखने की नॉलेज धीरे धीरे बनानी पड़ेगी अपनी, साथ ही साथ आपको कंटेंट राइटर्स को भी हायर करना पड़ेगा अगर आप सच में कॉम्पिटिशन में रहना चाहते हैं और अपने आप को उस लेवल पे लाना चाहते हैं। तो आपको कंटेंट भी लिखवाने पड़ेंगे, उनको आपको उस पे टाइम देना होगा, वो कंटेंट की क्वालिटी को बस आपको इम्प्रूव करना है। बाकी आप अगर रैंक कराना चाहते हैं तो कंटेंट आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उस कंटेंट क्वालिटी को आपको फोकस करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। इसी तरीके से फोरम्स होते हैं काफ़ी सारे, उसमें भी जाके आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे सकते हैं और अपने वेबसाइट के ऊपर बैक लिंक प्लस ट्रैफिक दोनों ला सकते हैं। अब बारी आती है कि हाउ टू रिसर्च कीवर्ड, चलिए ये भी देख लेते हैं। गूगल पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं गेमिंग चेयर, आपने लिखा गेमिंग चेयर, गेमिंग चेयर लिखते ही गूगल अपने आप कुछ सजेशन देने स्टार्ट कर देगा आपको, जैसे कि गेमिंग चेयर अंडर 5000, गेमिंग चेयर प्राइस, गेमिंग चेयर अंडर 2000, गेमिंग चेयर इंडिया अंडर 10000, ग्रीन सोल दिल्ली विद मॉनिटर माउथ चीप, इतने सारे सजेशंस आपको वो अपने आप दे रहा है। अब आप एक चीज़ पकड़ेंगे तो उसके बाद स्पेस देंगे तो उससे रिलेटेड वो सजेशन देने लग जाएगा। तो ये सारे एक तरह से आपके लिए कीवर्ड हैं जो कि लोग सर्च करते हैं, आपको इन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है गूगल बॉटम सेलेक्शन सजेशन, अगर मैंने गूगल गेमिंग चेयर के बारे में गेमिंग चेयर अंडर 5000 सर्च किया, अब मैं बॉटम में जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे गेमिंग चेयर अंडर 5000 फ्लिपकार्ट, गेमिंग चेयर अंडर 5000 अमेजन, गेमिंग चेयर अंडर 7000, गेमिंग चेयर अंडर 6000, इस तरीके के लोग रिसर्च करते हैं, रिलेटेड सर्च हैं ये उस आपके टॉपिक से।
तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि गूगल खुद बता रहा है आपको, तो वो चीज़ तो आप भूल ही नहीं सकते, वो आपको करना ही करना है। उसके बाद आती है हमारी कीवर्ड टूल IO, ये भी एक अच्छा टूल है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अपना कीवर्ड डालना है सिंपल, इंडिया फॉर सर्च। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं इतने सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर आप काम करना चाहें बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंटेंट का भी आइडिया, कीवर्ड्स का भी आइडिया, सब कुछ मिल जाएगा कि किस किस पे आप काम कर सकते हो, कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन सा कंटेंट है, आपको काम करना होगा बस। आइडियाज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। आंसर द पब्लिक सेम है, आपको कीवर्ड्स वहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं। सेम इसी तरीके से LSI कीवर्ड्स भी है, यहाँ पे भी आपको सिंपल जाना है, साइट खोलनी है और अपना कीवर्ड डालना है, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो रिसर्च कीवर्ड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। हाउ टू स्पीड अप वेबसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी बात करें अगर स्पीड की, अगर आपकी वेबसाइट में आपने सब कुछ कर लिया, वेबसाइट भी बना ली, मतलब ब्लॉग भी बना लिया, आर्टिकल भी अच्छे से लिख दिया, कीवर्ड रिसर्च भी अच्छे से कर लिया आप, मगर अब बात आती है स्पीड की। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो आपकी वेबसाइट पे कोई रुकेगा नहीं, और कोई रुकेगा नहीं तो वैसे बाउंस रेट बहुत बढ़ जाएगा और आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर होती जाएगी धीरे धीरे, और रैंकिंग कभी हो नहीं पाएगी। तो अगर वेबसाइट की स्पीड नहीं है तो वैसे भी उसकी रैंकिंग नहीं होगी, गूगल ऑलरेडी बोल चुका है ये चीज़ें। तो आपको अपने जितने भी ब्लॉग आप लिखते हैं, जितना भी आप आर्टिकल लिखते हैं, उसमें आपकी जो भी इमेजेस आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इमेजेस का होता है थोड़ा वेट, तो उस इमेजेस को आपको लाइट करके यूज़ करना है, उसको कंप्रेस करके यूज़ करना है, उसको कंप्रेस करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, tinypng.com, इस वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं आपकी वेबसाइट की इमेजेस को लो करने के लिए, उसकी जो रेजोल्यूशन है या फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इस वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी लाइट वेट आपकी इमेजेस होंगी उतना फास्ट आपकी वेबसाइट खुलेगी, यूज़र रुकेगा, उस पर रिस्पॉन्स करेगा और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दूसरी बड़ी बात है, अगर आप स्पीड फास्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट की जो होस्टिंग है वो एक अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए, चीप होस्टिंग की तरफ बिल्कुल मत जाना। लोग सस्ता समझ के एक बार चले जाते हैं, बस सोचते हैं भाई हमारी वेबसाइट लाइव हो जाए, हमारी वेबसाइट कोई खोले तो खुल जाए बस। उनको इससे मतलब होता है, उनको इससे मतलब नहीं होता कि वेबसाइट बनाई किस लिए हमने, उसका पर्पस क्या था, ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। हम जब कुछ कमा ही नहीं सकते तो उस होस्टिंग का, उस साइट का और किसी काम का क्या फ़ायदा। तो हमारे को इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारी जो होस्टिंग होती है वो फास्ट होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ ब्लू होस्ट का, जो कि मैंने यहाँ पे आपको अपना ऊपर लिंक दे रखा है, आप अगर इस लिंक से बाय करते हैं, ये मेरा एफिलिएट लिंक है, तो इसमें मेरे को एक स्मॉल कमीशन मिलती है। इसके बदले में आपको क्या मिलता है, आपको दो चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हैं तो आपको नॉर्मल जो ब्लू होस्ट का रेट है उससे सस्ती मिलती है, एंड सेकेंड वन, आपको मेरी तरफ से एलिमेंटर प्रो का एक्सेस मिलता है बिल्कुल फ्री में, GPL नहीं, ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपका भी बेनिफिट है और मेरा भी बेनिफिट है, दोनों का बेनिफिट है। तो आप होस्टिंग लेंगे वहाँ से, मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप वहाँ से होस्टिंग लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको मैंने दिखा भी दिया कि वर्डप्रेस ऑफिशियली इसको खुद रिकमेंड करता है, साथ में CDN भी मिलता है, क्योंकि आगे जाके आपको बताने वाला था मैं कि CDN भी आपको यूज़ करना चाहिए आपकी वेबसाइट को स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी स्पीड को ठीक करने के लिए। तो इस होस्टिंग में आपको CDN भी मिलता है, डोमेन भी मिलता है, वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन भी मिलता है, एंड सपोर्ट तो मिलता ही है 24/7। एंड कैसे ये यूज़ करते हैं, वो सर्वर लेवल पे होता है, जो कि बहुत ही बेस्ट रहता है आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात ये आती है हाउ टू रैंक आर्टिकल्स। आर्टिकल को रैंक कराने के लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं, ऑन पेज SEO एंड ऑफ पेज SEO। अगर आपने आर्टिकल का कंटेंट बहुत अच्छे से लिखा है, अपने कंपटीटर को एनालाइज किया है और अच्छे से सब कुछ चेक करके लिखा है, आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं और उसमें ऑन पेज SEO बहुत अच्छे से किया हुआ है, उसका टाइटल है, उसका S1 टैग, S2 टैग, 3 टैग, S4 टैग, आपकी सब हेडिंग्स हो गई, पॉइंट्स हो गए, बुलेट्स हो गए, एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स हो गए, आपकी इमेजेस हो गई, इमेजेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट हो गया, आपकी वीडियोस हो गई, ये सब कुछ आपने बहुत अच्छे से किया है। ऑन पेज में जितनी चीज़ें होती सब कुछ आपने बहुत अच्छे से कर दिया। अब आपको बारी आती है ऑफ पेज SEO की, जिसमें कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर बैकलिंक्स को बनाना होता है। बैकलिंक्स बनाने जरूरी हैं, क्योंकि बिना बैकलिंक्स के आप आर्टिकल्स को रैंक नहीं करा सकते और अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स को कि उन्होंने बैकलिंक कहाँ कहाँ से बना रखे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे टूल हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, मगर वो प्रीमियम टूल हैं, उनको आपको बाय करना पड़ता है। बट अगर आपको फ्री में यूज़ करना है तो फ्री में यूज़ करने के लिए आप सिंपल गूगल में जाएंगे,
और यहाँ पे आप लिखेंगे बैक लिंक चेकर। तो यहाँ पे आपको HREF और नील पटेल का ऊबर सजेस्ट, ये दो टूल हैं जो कि फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी मॉ सैमरेज काफ़ी सारे टूल हैं, मगर इनका आपको क्या है कि लॉगिन करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा और कुछ टाइम का ट्रायल आपको देते हैं, कुछ लिमिटेड ट्रायल ही देते हैं जिसको आप यूज़ करके चाहे तो चेक करना चेक कर सकते हो। इवन आप मेरी वेबसाइट में भी जा सकते हो webtechnicaltips.com पे। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फुटर में आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने सैमरेस के ऊपर एक रिव्यू दिया और गेट 7 डे फ्री ट्रायल के बारे में भी बताया हुआ। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप मेरे किसी भी लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं जो कि मेरे सैमरेस का एफिलिएट लिंक है, यहाँ पे है गेट 7 डे फ्री ट्रायल, इसमें जाके आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे इसको ट्राई फॉर फ्री कर सकते हैं 7 डेज के लिए और 7 दिन मेरे ख्याल से इनफ रहते हैं अपने कंप्यूटर को एनालाइज करने के लिए। तो आप जाके फ्री में 7 डे का ट्रायल ले सकते हैं और वहाँ पे कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। बाकी अगर फ्री में करना चाहते हैं तो फ्री का तरीका ही है, मगर वो 7 डे के लिए फ्री है और ये वाले टूल जो है ये आपको वैसे बैकलिंक बता देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको HREF से भी चेक करना है तो आप यहाँ पे सिंपल जाएंगे और आपका कंप्यूटर फॉर एग्जांपल पीसी में, अगर तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं चेक बैकलिंक्स, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चला डोमेन की रेटिंग 51 है, यूआरएल रेटिंग 24 है, बैकलिंक 369 है, रेफरिंग डोमेन 66 है। तो इन्होंने काफ़ी काम कर रखा है, सारे बैकलिंक्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे कहाँ कहाँ पे इन्होंने काम कर रखा है, कहाँ से इनको नो फॉलो बैकलिंक मिल रहे हैं, कहाँ से इनको डू फॉलो बैकलिंक मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं फ्री में और वहीं वहीं पर जाके आप लोग भी बैकलिंक बना सकते हैं, उस तरह के स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं जिस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं, कंटेंट लिखते हैं या फिर बैकलिंक बनाते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपने बैकलिंक को चेक करें, अपने कॉम्पिटिटर्स को कि वो किस तरीके से बैकलिंक बना रहे हैं, और हमेशा ट्राई करें क्वालिटी बैकलिंक्स ही बनाएं। कभी ऐसा ना करें कि कहीं भी जाके कमेंटिंग कर दी, कहीं भी कुछ भी कर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, गूगल उसको कुछ नहीं देता, क्योंकि जितने भी कमेंटिंग साइट है वो मोस्टली नो फॉलो ही होती है और नो फॉलो का कोई वैल्यू नहीं है। नो फॉलो का वैल्यू तभी है जब आपको बैकलिंक मिल रहा है बहुत ज़्यादा ऐसी हाई ट्रैफिक वेबसाइट से जहाँ पे कि ट्रैफिक इतना आता है कि उस नो फॉलो से भी आपको बेनिफिट मिल ही जाता है, बट मोस्टली केसेस में नो फॉलो में जितने भी कमेंटिंग साइड होते हैं कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी कंटेंट बनाना है हमेशा और ट्राई टू मेक बैकलिंक विद गेस्ट पोस्ट, फोरम्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जैसे कि कोरा हो गया, याहू का क्वेश्चन आंसर का प्लेटफॉर्म हो गया, फोरम्स हो गए, काफ़ी सारी जगह होती है जहाँ से आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। और ऑलवेज ट्राई टू हेल्प योर ऑडियंस, जैसे आप कोई क्वेश्चन आंसर्स पे जवाब देते हैं वहाँ पे आप लोगों की हेल्प करें, उस तरीके से बैकलिंक बनाइए। अब अगर आप सोच के चलेंगे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लोगों की हेल्प करनी है, तो ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और वो ट्रैफिक आपको चाहे वो एडसेंस का हो, चाहे वो आपका एफिलिएट का लिंक हो, वो आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों को मतलब नॉट टू बाय प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बाय करने के लिए बिल्कुल आपको लोगों को फोर्स नहीं करना है। आपने खाली लिख दिया, एक दो बार मेंशन कर दिया, बहुत है। बार बार अगर आप प्रोडक्ट की बात करते रहेंगे तो लोगों के माइंड में एक चीज़ ऐड हो जाएगी कि इसका इसमें प्रॉफिट है, इसलिए इस प्रोडक्ट के बारे में बार बार ये बात कर रहा है। कैची टाइटल विद क्वेश्चंस, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो टाइटल्स होते हैं वो बिल्कुल मतलब कैची टाइटल होना चाहिए उसमें, और एक क्वेश्चन टाइप का कुछ होना चाहिए कि लोग हाँ क्लिक करें और वहाँ पर जाएं देखें क्या है वो यस इसके अंदर। डोंट यूज़ PBN और कमेंटिंग, ट्राई टू अवॉइड। आपको प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स नहीं बनाने बिल्कुल भी, कि आपने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बना रखे हैं और उसी से आप बैकलिंक बनाए जा रहे हो और अपने मेन वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ करोगे तो गूगल को पता चल जाएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बारी आ गई, सब कुछ आपने कर लिया, स्पीड भी अच्छी है, सब कुछ कर लिया, ब्लॉग बना लिया, रैंक कर लिया, सब कुछ ठीक है, अब अर्निंग कैसे होगी? अर्निंग के यहाँ पे 3 तरीके होते हैं जो कि सबसे ट्रस्टेड वे हैं, जो कि बिल्कुल ट्रस्टेड वे हैं ऑनलाइन। अगर हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करें तो सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है ये एडसेंस एफिलिएट, एडसेंस जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे। अगर वहाँ पे कोई काम करता है, एडसेंस में उसकी ऐड लगी हुई है, तो वहाँ पे उसकी अर्निंग हो ही रही है और उसके पैसे भी उसको मिल रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब से एडसेंस से हो, चाहे वो नॉर्मल एडसेंस से हो। तो यहाँ पे अगर आप एडसेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना ही खुद क्लिक करना है, ना ही किसी को फोर्स करना है कि आपकी ऐड पे क्लिक करने के लिए। गूगल को पता चल जाएगा, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और आप कभी अर्निंग नहीं कर पाओगे। अर्निंग बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आपको रिसर्च करना है हाई CPC कीवर्ड्स को, और उन आर्टिकल्स के ऊपर ही आपने काम करना है, उन टॉपिक्स के ऊपर ही आपको आर्टिकल लिखना है। अब हाई CPC कीवर्ड अगर होगा, कोई गूगल को अगर
अच्छा अमाउंट पे कर रहा है, कॉस्ट पर क्लिक पे कर रहा है एडवर्टाइजर, तो गूगल भी आपको अच्छा पे करेगा। अगर कोई कीवर्ड्स मतलब ऐसे हैं बिल्कुल लो सीपीसी कीवर्ड्स हैं जिनमें की कोई मतलब जो आपके पब्लिशर होते हैं, जो आपके एडवर्टाइजर होते हैं, वो पे ही नहीं कर रहे इतना कुछ खास गूगल को, तो गूगल आपको कैसे पे करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, हाई सीपीसी कीवर्ड पे ही आपको हमेशा काम करना है और उसी पर आर्टिकल लिख के उसको रैंक कराने की कोशिश करनी है जब भी आप एडसेंस के लिए काम करते हैं। इस तरीके से करने के बाद ये लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप एडसेंस की साइट पर जाएंगे। वहाँ पे आपको अपनी साइट लिस्ट करनी साइट का ऐड करनी है और आपको सबमिट करना है रिव्यू के लिए। वो आपकी साइट पर रिव्यू करेंगे, वो चेक करेंगे जो यूज़फुल पेजेस होने चाहिए वो हैं कि नहीं है, आपको कंटेंट क्वालिटी कैसी है, कॉपी पेस्ट तो नहीं है, सब कुछ सही रहा। 10-15 आर्टिकल लिखने के बाद आपको ये सब चीज़ों के लिए अप्लाई करना है। सब कुछ ठीक रहा, उन्होंने अगर अप्रूव कर दिया तो वो आपको एक कोड देंगे, उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालना होता है। वो कैसे डालना होता है, उसके लिए कुछ प्लगइन्स भी होते हैं, मगर प्लगइन्स को आप अवॉइड ही करो तो ही बेटर है। आपको सिंपली आना है अपेयरेंस में, थीम एडिटर में आई अंडरस्टैंड, और यहाँ पे जनरेट प्रेस है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे ये आपका थीम एडिटर है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये हेड सेक्शन दिख रहा है, ये इस हेड सेक्शन के यहाँ पे आपको एंटर मारना है जहाँ पे क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देना है और सिंपल इसको यहाँ पे नीचे जाके अपडेट फाइल कर देना है। बस आपको इतना काम करना है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आपकी ऐड दिखनी शुरू हो जाएंगी, आपका एडसेंस एनेबल हो जाएगा और ईजिली आप अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से तो आप एडसेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। अब बात आती है एफिलिएट की। एफिलिएट पर अगर आपको काम करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हाउ टू कंटेंट, रिव्यू कंटेंट, कंपेरिजन कंटेंट, ये बिल्कुल ही मैं कह सकता हूँ कि एवर ग्रीन टॉपिक्स होते हैं, एवर ग्रीन तरीके होते हैं आपके एफिलिएट की अर्निंग को बढ़ाने के, आपके एफिलिएट आर्टिकल्स को रैंक कराने के लिए। एंड एडसेंस में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एडसेंस में आप ऐड नहीं चलाओ तो इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ऐड चला के कोई अर्निंग नहीं होती उसमें। अगर आप ऑर्गेनिक रैंक करा सकते हैं तो ही एडसेंस से आपकी अर्निंग होती है एफिलिएट में। मगर हाँ ये रहता है कि आप कोई अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें कि आपकी अच्छी खासी कमीशन हो सकती है, उसकी आप ऐड चला सकते हो, फेसबुक से ऐड चला सकते हो, गूगल से ऐड चला सकते हो, डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्ट है। अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं ऐड चलाने के लिए, प्राइवेट नेटवर्क्स भी होते हैं तो वहाँ पर भी आप ऐड चला सकते हो। और हाउ टू टाइप का कंटेंट हो गया, रिव्यू कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का उस तरह कंटेंट हो गया, कोई कंपैरिजन कर रहे हो दो प्रोडक्ट के बीच में उसका कंटेंट हो गया, इस तरह के कंटेंट ब्लॉग में बहुत चलते हैं एफिलिएट में और जिससे लोग आते भी हैं और अर्निंग भी आपकी अच्छी खासी होती है। और एफिलिएट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कॉमन प्लेटफॉर्म है अमेजन, जिसका लिंक मैंने दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लिक बैंक है, ज़ेविज़ू है, जो कि बहुत अच्छे नेटवर्क्स हैं कह सकते हो, वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो एफिलिएट की। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कंक्लूजन क्या रहेगा, रेगुलर वर्क, बी ओरिजिनल एंड ऑर्गेनिक, डोंट बाय ट्रैफिक विदाउट वर्क, नेवर एक्सपेक्ट फॉर अर्निंग। यहाँ मतलब मेरा ये है, आपको रेगुलर वर्क करना है, ऐसा नहीं है महीने में एक दो कंटेंट लिख दिया और उस खुश हो गए मैंने दो कंटेंट डाले, नहीं, आपको रेगुलर वर्क करना है और हमेशा ओरिजिनल और ऑर्गेनिक ही रहना है आपको। आपको ऐसे नहीं कहीं से भी ट्रैफिक खरीद लिया, बॉट ट्रैफिक डाल लिया, फाइवर से खरीद लिया, फेसबुक ग्रुप से खरीद लिया, वो दिक्कत कर देंगे आपके लिए। अगर आपको लगता है आपको ट्रैफिक लेना है तो आप गूगल से लो, फेसबुक से लो, ओरिजिनल जो उनकी ऐड होती है वो चलाओ, बट वो भी आपके सोच समझ के आपको चलाना होगा। आपका एफिलिएट प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए और उसका भी कुछ तरीके होते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपने ऐड चला दी और वो चल जाएगा, नहीं, उसका भी तरीका होता है। प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाना होता है आपको उस प्रोडक्ट का, अगर आप कोई एफिलिएट के लिए काम कर रहे हैं तब वो सब चीज़ें काम करती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको। अर्निंग होती है मगर आपको प्रॉपर वे में अगर आप काम करोगे, राइट डायरेक्शन में काम करोगे तभी आपकी अर्निंग होगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप काम नहीं कर रहे हो और आप सोचोगे अर्निंग हो जाएगी, थोड़ा बहुत काम कर लिया सोचोगे अब मेरी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं एक तरह से पूरी आपके लिए ब्लॉगिंग की गाइड है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल प्रॉपर गाइड है, प्रैक्टिकल गाइड है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और मेरी अर्निंग हो रही है मैंने, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही प्रूफ दिखा दिया था। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर दोबारा से आपको रिमेम्बर करा रहा हूँ, बेस्ट होस्टिंग ऑफर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। आपको एक तो होस्टिंग सस्ती मिलेगी मेरे लिंक से, नॉर्मल रेट से, सेकेंडरी मेरी तरफ से एलिमेंटर प्रो फ्री मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हैं, मुझे इनवॉइस शेयर करते हैं। थीम्स के लिए यहाँ पे बेस्ट थीम जो है जनरेट प्रेस एंड एक्स्ट्रा है, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है। अगर आप प्रीमियम में जाना चाहते हो तो उसके लिंक है, अगर आप नॉर्मल के साथ भी काम करना चाहो तो अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है।
प्लगइन फॉर ब्लॉगिंग के लिए योस्ट एसईओ प्लगइन, टेबल ऑफ कंटेंट। सोशल स्नैप से क्या रहता है, आपके जितने भी कंटेंट आप लिखते हैं उसको अगर आप सोशल स्नैप प्लगइन को एक्टिवेट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उस पर क्लिक करके यूज़र आएगा तो वो शेयर करना चाहे शेयर कर सकता है। वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन में क्या रहता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कोई आपकी वेबसाइट पर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, अभी मैंने क्योंकि वेबसाइट खोल रखी थी, जब फर्स्ट टाइम कोई मेरी वेबसाइट खोलेगा तो ऊपर से एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि वो बोलता है कि भाई आप अलाउ करो। तो उसमें क्या होता है, जब भी मैं कोई नया कंटेंट पब्लिश करूँगा उसने अलाउ कर दिया तो उसके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और मेरे नए आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। एलिमेंटर पेज बिल्डर वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर है वर्डप्रेस का, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है नॉर्मल और इजीली आप अपना पेज बना सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डब्ल्यू पी फॉर्म जैसे कि मैंने बताया था फॉर्म क्रिएट करने के लिए बेस्ट टूल है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है प्लगइन्स की, थीम की, होस्टिंग की और पूरे ब्लॉगिंग गाइड मैंने आपको बता ही दिया विद लिंक, मैंने सब कुछ है। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, पूरी फाइल मिल जाएगी। आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से आपको ये सब कुछ करना है। इतनी कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, आप बस कंसिस्टेंट काम करेंगे, रेगुलर वर्क करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत ही ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है और आप आराम से धीरे धीरे करके अपना एक ब्लॉगिंग अच्छा सा सेटअप कर सकते हैं। और सो ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी, इस पूरी फाइल को आप संभाल के रख लेना, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार में अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना अच्छे से, जैसे जैसे बताया उस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका भी जो ये ब्लॉग है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था हाउ टू स्टार्ट मनी मेकिंग ब्लॉग, ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। आपका ब्लॉग एक मनी मेकिंग ब्लॉग बन सकता है अगर आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे और ढंग से काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी के भी पहले लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो। और अभी आगे वीडियो के एंड में आपको कुछ वीडियोस की रिकमेंडेशन मिलेगी, वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी सारी वर्डप्रेस से रिलेटेड नॉलेज मिल सकती है। तो जल्दी मिलूंगा एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।